हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IICT इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IICT इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो IIBF की तैयारी करने वालों भाइयों बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, और मुझे पता भी है कि हमारी IIBF की वीडियो से काफ़ी VLE भाई या बैंक BCA में तैयारी करने वाले भाइयों का बहुत फ़ायदा मिल रहा है और हमारी वीडियो देखकर पास भी हो रहे हैं। तो आज ये वीडियो IIBF की एक और नई वीडियो है। आशा करता हूँ हमारे चैनल से आप सभी को बहुत लाभ मिलता है, तो वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्राहकों की शिकायतों के संबंध में एक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई है और बैंकों द्वारा उसका पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी मिलेगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, ए ग्रीवेंस एस्केलेशन सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड इज फॉलोड बाय बैंक्स। व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? तो जो ग्राहकों की शिकायतों के संबंध में शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई है और जो बैंकों का पालन किया जाता है बैंकों के द्वारा, तो वो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इस चीज़ का आंसर देना है आपको। तो जो सबसे गलत कथन है इस ऑप्शन में, चार ऑप्शन में से, तो वो आपको ये देना है कि यदि शाखा और नियंत्रक कार्यालय शिकायत प्राप्त होने की तारीख से दिन के भीतर शिकायत का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो इसे आगे की कार्रवाई के लिए ग्राहक से अनुभव प्रधान कार्यालय को उनकी टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों के साथ भेजा जाना चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से यहाँ पे हमने इंग्लिश में नहीं मिलाया है, इंग्लिश नहीं डाली गई है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसलिए अंग्रेजी मिक्स नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन यही देना है गलत कथन में, कि यदि शाखा और नियंत्रक कार्यालय शिकायत प्राप्त होने की तारीख से इनके भीतर शिकायत का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो इसे आगे की कार्रवाई के लिए ग्राहक से अनुभव प्रधान कार्यालय को उसकी टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों के साथ भेजा जाना चाहिए। आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है NPA, NPA को हिंदी में कहते हैं अनर्जक आस्ति। NPA को इस रूप में परिभाषित किया गया है, जब कोई भी संपत्ति पट्टे पर दी गई संपत्ति सहित बैंक के लिए आय सृजित करना बंद कर देती है, तो उसे अनर्जक आस्ति कहा जाता है। तो ये तो अनर्जक आस्ति की परिभाषा हो गई, कि जब कोई भी संपत्ति पट्टे पर दी गई संपत्ति सहित बैंकों के लिए आय सृजित करना बंद कर देती है, तो उसे अनर्जक आस्ति कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, ये हमें जवाब देना है। तो चार ऑप्शन में से आपको यही चूज करना है कि ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण के संबंध में अग्रिम खाता 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अव्यवस्थित रहता है, यानी बकाया राशि नामे में या स्वीकृत सीमा से अधिक हो, यही आपको देना है। और यही आपको अंग्रेजी में भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, कि NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज डिफाइंड एज व्हेन एनी एसेट इंक्लूडिंग ए लीज्ड वन इज़ टू जनरेट इनकम फॉर बैंक। RBI हैज लेड डाउन गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई NPAs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो कौन सा सही नहीं है आपको देना है। द एडवांस अकाउंट पेमेंट्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, द आउटस्टैंडिंग बैलेंस बीइंग इन डेबिट आर इन एक्सेस ऑफ द लिमिट सैंक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ओवरड्राफ्ट या कैश
क्रेडिट। ठीक, तो इसमें आपको ओवरड्राफ्ट वाला विकल्प चयन करना है, यही आपका गलत ऑप्शन के रूप में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए ऋणों की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी कदम नहीं है। यानी जब ऋण दिया जाता है बैंकों द्वारा, तो उसको वसूल करने के लिए कौन सा एक प्रभावी कदम जो होता है वो सही नहीं है इन चार ऑप्शंस में से। तो प्रभावी कदम कौन सा सही नहीं है, यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी मिल सकता है, मिलेगा भी अगर आप अंग्रेजी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज चूज करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्टेप फॉर इंश्योरिंग टाइमली रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड। तो आपको ऑप्शन क्या देना है, ऑप्शन देखिए, सही कदम तो यही है कि उधारकर्ताओं को वसूली नोटिस काफ़ी पहले ही भेज दिए जाने चाहिए, पासबुक ऋण पासबुक जारी करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें चुकौती अनुसूची भी दर्ज होती है। यही अंग्रेजी में आपको ऑप्शन मिलेगा, रिकवरी नोटिस टू बारोअर शुड बी सेंड वेल इन एडवांस, इश्योरेंस ऑफ लोन पासबुक शुड बी इंश्योर्ड एज द रिपेमेंट शेड्यूल इज ऑल्सो रिकॉर्डेड देयर इन। यही दूसरा नंबर कह रहा है कि चूक के मामले में उधारकर्ताओं के पड़ोसी व्यक्तियों से संपर्क किया जाना चाहिए। यही अंग्रेजी में आएगा, नेबरिंग पर्सन ऑफ द बारोअर शुड बी कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट। और ये ऑप्शन तीसरा कह रहा है, वसूली हेतु संस्थागत तालमेल की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। तो ये बैंकों द्वारा प्रभावी कदम नहीं है कि वसूली के लिए जो संस्थागत तालमेल होती हैं वो नहीं तलाशी जाती हैं बैंकों के द्वारा, यानी इंस्टीट्यूशनल टाई अप फॉर रिकवरी शुड बी एक्सप्लोर्ड, ये नहीं होता है। इसलिए आपका प्रभावी कदम गलत के रूप में यही ऑप्शन आपको चूज करना है। और ये कह रहा है, चौथे में क्षेत्र स्टाफ द्वारा गांवों का बार बार दौरा करना चाहिए और उधारकर्ताओं से नियमित रूप से संपर्क करना चाहिए। ये होता है, ये बैंकों के मामले में होता है, ये वसूली करने का एक सही प्रभावी कदम माना जाएगा। लेकिन प्रभावी जो कदम नहीं है वो आपका यही है कि वसूली हेतु संस्थागत तालमेल की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए, यही ऑप्शन आपको तीसरा नंबर चूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, संदिग्ध आस्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी तक आपने पढ़े थे सही नहीं है, तो ये संदिग्ध आस्ती जो होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डाउटफुल एसेट्स, जो संदिग्ध आस्ती होती है उनमें से इन चार ऑप्शन में से सही कदम कौन सा है। पहला कह रहा है कि इसे 3 महीने से एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वसूली संदिग्ध है क्योंकि आस्तियों का वसूली योग्य मूल कम है। इट इज क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर 3 months एंड रिकवरी इज डाउटफुल एज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स आर लो। उसके बाद कह रहा है, इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह 12 महीने की अवधि से अवमानक आस्ती बना हुआ है। तो सही कथन जो है वो तो दूसरे नंबर का है कि एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो संदिग्ध आस्ती होती है उसको एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वो जो है 12 महीने की अवधि से अवमानक आस्ती बना हुआ होता है। इट इज क्लासिफाइड एज एनपीए एंड हैज रिमेंड सब स्टैंडर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 12 months, ये आपका सही कथन है। अब बाकी गलत में आपके ये, अगर कहता है कि गलत कौन सा है तो ये गलत आपके 1, 2, 1, 3, 4, ये गलत कदम हो जाएंगे, कथन गलत होंगे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, नगदी प्रवाह विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। अब यहाँ भी सही कथन देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसके विषय में सही कथन कौन सा है। वो है कि कुल अंतर्वाह कुल बहिर्वादों से हमेशा अधिक होते हैं, टोटल इनफ्लोज ऑलवेज एक्सीड द टोटल आउटफ्लोज, यह केवल वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किया गया है, यह एक विशिष्ट अवधि होता है। और ये कह रहा है, नकदी प्रवाह विवरण किसी विशिष्ट समय पर नकदी की स्थिति का विवरण होता है। तो ये कथन आपका नकदी प्रवाह के लिए सही है, अब बाकी ये वाले आपके गलत है। मतलब नकदी प्रवाह विवरण किसी विशिष्ट समय पर नकदी की स्थिति का विवरण होता है। तो नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में कह रहा है, तो नकदी प्रवाह विवरण किसी समय पर नकदी की स्थिति का विवरण होता है, ये ऑप्शन आपको दूसरा नंबर आंसर सही है। अब बाकी अगर कथन गलत हो कहे तो आपको 1, 3, 4 ये सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कह रहा है, उधार दी गई निधियों की सुरक्षा बैंकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। तदनुसार ऋण की चुकौती उधारकर्ताओं से संबंधित कुछ पहलुओं पर निर्भर करती है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण नहीं है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, उधार दी गई निधियों की सुरक्षा बैंकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। तदनुसार ऋण की चुकौती उधारकर्ताओं से संबंधित कुछ पहलुओं पर निर्भर करती है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण नहीं है? सेफ्टी ऑफ फंड्स लेंट यानी उधार दी गई निधियों की सुरक्षा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न फॉर बैंक। अकॉर्डिंगली प्रीपेमेंट ऑफ लोन डिपेंड्स अपॉन सर्टेन एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू द बॉरोअर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट सैनिफाइड। तो उधार दी गई जो निधियों की सुरक्षा के विषय में इसमें भी कह रहा है कि जो पहलू महत्वपूर्ण नहीं है वो कौन सा है? तो उधार के लिए ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा कह रहा है ऑप्शन कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू रिपे। बिक्री का अनुमान के अनुरूप ना होना सेल्स नॉट मैचिंग विद द एस्टिमेट कारोबार और या के व्यवसाय के माध्यम से नियमित आय सृजन रेगुलर इनकम जनरेशन थ्रू द बिजनेस एंड आर ऑक्यूपेशन। और चौथा कह रहा है ऋण राशि को सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति यानी कोलेटरल सिक्योरिटी टू कवर द लोन अमाउंट। गलत कथन यानी सही कथन तो यही होंगे कि ऋण चुकाने की क्षमता पर लोन निर्भर करता है, बिक्री का अनुमान के अनुरूप न होना, कारोबार और व्यवसाय के माध्यम से नियमित आय सृजन। तो जैसे कोई लोन लेगा तो अपनी क्षमता के हिसाब से ही वो अपनी ईएमआई बनवाएगा कि मैं इतना दे सकता हूँ, उसी हिसाब से होता है लोन का सिस्टम। लेकिन नहीं, जो पहलू नहीं होता है वो पहलू ये नहीं होता है कि ऋण राशि को सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति कोलैटरल सिक्योरिटी टू कवर द लोन अमाउंट, ये आपका पहलू महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आपको यही चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाकी ये तो सही कथन में आ गए। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा ऋण योजना में लाभार्थी इकाइयों की समृद्धि और निधियन जरूरतों के अनुसार तीन उत्पाद बनाए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही? थ्री प्रोडक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड इन मुद्रा लोन स्कीम एज पर स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड फंडिंग नीड्स ऑफ बेनिफिशियरी यूनिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोन कैटेगराइजेशन इज करेक्ट। तो जो मुद्रा ऋण योजना के संबंध में जो इकाई बांटी गई हैं वो आपको मैंने कई बार ये क्वेश्चन बताया है, ज़्यादातर जहाँ तक बात करूँ तो सारे क्वेश्चन मैंने रिपीट किए हैं, हर वीडियो में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा और सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको मुद्रा ऋण योजना के संबंध में पहला ऑप्शन यही सेलेक्ट करना है, शिशु वाला, शिशु 50,000 रुपये तक, किशोर 50,000 रुपये से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक, यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है मुद्रा ऋण योजना के लिए सही वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है बैंकों की शिक्षा ऋण योजना का उद्देश्य छात्रों को भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। शिक्षा ऋण राशि की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन व्ययों पर विचार नहीं किया जाता? अब यहाँ भी गलत ऑप्शन देना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कॉलेज या पाठ्यक्रम शुल्क यानी परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क, ये ऑप्शन आपके, यही क्वेश्चन अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं कि द एजुकेशनल लोन स्कीम ऑफ बैंक्स एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टूडेंट फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल अराइविंग एट द एजुकेशनल लोन अमाउंट। पहला ऑप्शन कह रहा है कॉलेज या पाठ्यक्रम शुल्क यानी परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क, कॉलेज। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पुस्तकों या उपकरणों या कंप्यूटर लैपटॉप आदि की लागत। भारत में पढ़ाई के लिए यात्रा व्यय में शुल्क, पढ़ाई के लिए जरूरी जेब खर्च, ये तो खैर लोन से संबंधित हो गए। और चौथा कह रहा है छात्र उधारकर्ता के जीवन बीमा के लिए जीवन बीमा प्रीमियम आदि लागू हो, यदि लागू हो तो इसमें कौन सा ऑप्शन? यही चौथे वाले ऑप्शन आपको जो है इसी विषय पर जो बैंक होते हैं वो विचार नहीं करते इन्हीं खर्च पर कि आप जीवन बीमा पॉलिसी लगवाए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ऋण पे करना है।
तो यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, चौथा नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवास ऋण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आवास ऋण के संबंध में जो कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाउसिंग लोन इज नॉट करेक्ट। तो जो गलत कथन नहीं है, इनमें से आपको गलत कथन चूज करना है। गलत कथन यही है, आवास ऋण की राशि में वैकल्पिक रूप से भूमि की लागत और उस पर घर के निर्माण की लागत, फ्लैट और आंतरिक साज सज्जा की लागत को मार्जिन रखकर शामिल किया जाए। तो ये सब रखकर आवास ऋण के लिए शामिल नहीं किया जा सकता कि आपका कितने के बनवा रहे हैं, कितनी लागत हुई, ये नहीं। आप पहले से ही चूज करना पड़ता है कि मुझे कितने का लोन लेना है। ठीक है, तो ये आवास ऋण के संबंध में गलत कथन है, यही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, दोहरी प्रविष्टि वाली बही खाता पद्धति आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को शामिल करके किया जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक नामे का एक अनुरूपी जमा पक्ष होता है। दोहरी प्रविष्टि वाली बही खाता पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो जो दोहरी प्रवृत्ति होती है, डबल एंट्री बुक कीपिंग इज नेसेसरी एज एवरी ट्रांजेक्शन इज डन बाई इन्वॉल्विंग टू पार्टीज विच इम्प्लाइज दैट एवरी डेब्ट हैज ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो दोहरी प्रविष्टि वाली बही खाता पद्धति के बारे में जो गलत कथन इसमें पूछ रहा है, तो गलत कथन आपको कौन सा देना है, सभी व्यावसायिक लेन देन न्यूनतम त्रुटि के साथ व्यवस्थित रूप से दर्ज किए जाते हैं, ये आपका सही कथन है। इससे किसी भी समय ग्राहकों से प्राप्त देय व्यय विभिन्न शीर्षों के तहत आय के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिलने में मदद मिलती है, ये सही कह रहा है। लेन देनों का अभिलेखन विभिन्न चरणों और समय पर असमान राशियों के साथ भी किया जाता है, ये आपको गलत कह रहा है। और इससे वार्षिक लेखों और लाभ हानि लेखों को ठीक से तैयार करने में सुविधा मिलती है, ये भी सही है। तो अब यहाँ पे पूछ के आ रहा है गलत ऑप्शन, तो गलत ऑप्शन कौन सा देना है, ये तीसरा नंबर, कि लेन देनों का अभिलेखन विभिन्न चरणों और समय पर असमान राशियों के साथ भी किया जाता है, आपको गलत ऑप्शन तीन नंबर ग नंबर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज को एक अवधि के लिए उधार ली गई राशि के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। साधारण ब्याज की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो साधारण ब्याज का आपको सूत्र लगाना है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके ये आपका फार्मूला आएगा कि ब्याज की कुल राशि का फार्मूला आ रहा है। तो ब्याज की कुल राशि बराबर मूल राशि गुणे ब्याज दर गुणे समय अवधि, ये आपका चौथा ऑप्शन सूत्र सही देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, रुपये 10,000 की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी जाती है और उधारकर्ता को खाता बंद करने के लिए दूसरे वर्ष के अंत में 11,200 प्रति वर्ष प्रभार साधारण ब्याज सहित का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। उधारकर्ता को किस ब्याज दर प्रतिशत पर ऋण चुकाने के लिए सूचित किया गया है। तो जो ये एक कैलकुलेशन सवाल है साधारण ब्याज का, तो इसमें कह रहा है 10,000 की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी जाती है और कितना भरना पड़ता है, 11,200, यानी 10,000 में 11,200 1,200 रुपये एक्स्ट्रा 2% की ब्याज से। तो इसका प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो आपका निकलेगा 6%, 6% उधारकर्ता को ब्याज देना पड़ेगा, यही जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन सही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, बैंक ए ने 14/1/4/2000 ये दिनांक है को 25,000 रुपये की राशि मंजूर और संवितरित की। वह तिमाही आधार पर 9% ब्याज प्रभावित करता है। 30/6/2000 को खाते में प्रभावित की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। तो यहाँ पे 1/4, आप ये देखिए 1/4 और 30/6, तो कितने दिन हो गए, यहाँ पे 2 महीने का अंतर है। तो 2 महीने में 2 महीने का है ना, ये 4, 5, 6, 3 महीने। तो इसके हिसाब से अब 9% की ब्याज ले रहा है, तो जब 9% की ब्याज आएगा तो ये 25,000 रुपये की राशि मंजूर हुई है। अब ब्याज की बात कर रहा है, तो ब्याज आपको 2,250 रुपये निकलेगा। आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, ईएमआई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही संक्षेप अक्षर और सही परिभाषा है।
ईएमआई के लिए भी बताया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्रोनाइम एंड डेफिनेशन ऑफ ईएमआई। ईएमआई की जो सही परिभाषा है वो यही होगी, इक्वेटेड मनी इंस्टॉलमेंट। ये तो सबसे पहले ईएमआई का फुल फॉर्म होता है, इक्वेटेड मनी फॉर इंस्टॉलमेंट, जिसमें मूलधन और ब्याज ऋण की निश्चित अवधि में मासिक किस्तों के माध्यम से चुकाया जाता है। तो ईएमआई का जो पेमेंट किया जाता है वो मासिक भुगतान ही किया जाता है, हर महीने उसकी एक निश्चित ईएमआई बनती है, वही हर महीने जमा करनी पड़ता है। यानी इसमें लिखा भी है, इसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में केवाईसी के लिए 6 आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज हैं। प्रेजेंटली द 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर केवाईसी आर। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो केवाईसी के लिए जो आधिकारिक रूप से दस्तावेज होते हैं वो होते हैं, नंबर एक में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड। ये आपका आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज माने जाते हैं। बाकी आधार संख्या होने के प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें नहीं मांगी जाएंगी आपको। यही ऑप्शन आप देख लीजिए, इनका सही क्रम देख लीजिए, यही आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन का नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चेकों के रेखन से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग पर्टेनिंग टू क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। तो चेकों के रेखन से संबंधित गलत कथन है, मैंने ये क्वेश्चन भी बताया कई बार, सारे क्वेश्चन बताए हैं। चेकों के रेखन से संबंधित गलत क्वेश्चन यही होगा कि चेक के मुख्य पृष्ठ पर रेखन शब्द लिख देना रेखन कहा जाता है, ये कथन गलत है। डाइंग ऑफ द फेस ऑफ चेक द वर्ड क्रॉसिंग इज कॉल्ड क्रॉसिंग। ये चेक के मुख्य पृष्ठ पर रेखन शब्द लिख देना रेखन कहा जाता है, ये चेकों के रेखन से संबंधित गलत कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, धन शोधन गतिविधि का पता लगाने के लिए सामान्य चरणों को क्रम से देखा जाता है ताकि अंतिम चरण में पैसा वैध दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन सा धन शोधन के क्रम को सही ढंग से दर्शाता है। फॉर एसरटेनिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी द जनरल स्टेजेज इन सीक्वेंस आर ऑब्जर्व सो दैट मनी अपीयर्स लेजिटिमेट एट लास्ट स्टेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्पेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का सही क्रम होता है जिसमें पैसा वैध दिखाई दे, तो पहले उसका प्लेसमेंट होता है, फिर उसका लैंग संस्थिरीकरण होता है, और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं जब भी वो पैसा वैध दिखाई देता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का सही क्रम होता है। तीसरा नंबर आपको सेलेक्ट करना है, स्थानन संस्थिरीकरण फिर एकीकरण। फर्स्ट में स्थानन होता है, फिर संस्थिरीकरण होता है, और फिर उसका एकीकरण करके। कहता है, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बचत बैंक पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो जो वर्तमान अनुदेशों के आधार पर एज पर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कैन बी पेड कैसे किया जाता है, तो बैंक ब्याज का भुगतान जो किया जाता है वो आपको सेलेक्ट करना है, केवल तिमाही आधार पर, वो क्वार्टरली बेसिस, यानी ओनली क्वार्टरली बेसिस पर ही बचत बैंक का भुगतान किया जा सकता है। आपको गा नंबर सेलेक्ट करना है, केवल तिमाही आधार पर, एज पर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कैन बी पेड। ये ऑप्शन क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में इस तरह मिलेगा, ऑप्शन आपको देना है क्वार्टरली बेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खाता खोलते समय बैंक ग्राहक या ग्राहकों की नामिती के नाम इंगित करने के लिए सूचित करते हैं जिसे या जिन्हें जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में राशियां देय होती हैं। नामांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंग्रेजी में एक क्वेश्चन मिलेगा, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट बैंक्स एडवाइज द कस्टमर्स टू इंडिकेट द नॉमिनी टू हुम द अमाउंट्स आर पेबल इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन या नाम के संबंध में, नामांकन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन आपको नामांकन के संबंध में देना है कि कोई एकल जमाकर्ता ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकता है जिसे जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में उसके नाम जमा राशि का भुगतान बैंकिंग कंपनी द्वारा किया जा सकता है। ए सिंगल डिपॉजिटर मे नॉमिनेट ए पर्सन टू हुम इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर द अमाउंट टू हिज क्रेडिट मे बी पेड बाई द बैंकिंग
कंपनी, आपको सही कथन के रूप में चौथा नंबर आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नामांकन के संबंध में सही कथन यही होगा, घ नंबर वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खाता खोलने के लिए फोटोग्राफ प्राप्त करने के दिशा निर्देश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गाइडलाइंस अबाउट ऑब्टेनिंग फोटोग्राफ्स ऑफ फॉर अकाउंट ओपनिंग। तो जो खाता खोलने के दिशा निर्देश होते हैं फोटो लेने के लिए, तो वो आपको कौन सा है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही कथन जो होगा नहीं होगा वो चूज करना है। तो आपको सही कथन खातों से संबंधित सभी व्यक्तियों, खातों अर्थात बचत खाता एवं चालू खातों को परिचालन करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों सहित सभी के फोटोग्राफ बिना किसी अपवाद के प्राप्त होने किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही, बैंकों को प्रदानशील महिलाओं के फोटोग्राफ भी प्राप्त करने चाहिए। बैंक शुड ऑल्सो ऑब्टेन फोटोग्राफ ऑफ प्रदानशील वोमेन। आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों पर फोटोग्राफ चिपके होते हैं, इसलिए बैंकों को फोटोग्राफ जमा करने पर जोर नहीं देना चाहिए। द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैव फोटोग्राफ्स अफिक्स्ड ऑन इट, सो बैंक भी मे नॉट स्टैंड आ सबमिशन ऑफ फोटोग्राफ। और चौथा कह रहा है, जब खाता धारक कोई अतिरिक्त खाता खोलना चाहता है तो नया फोटोग्राफ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो खाता खोलने के लिए जितनी बार आप खाता ओपन करेंगे उतनी बार आपको फोटो देनी पड़ेगी। इसमें कथन कौन सा गलत है वो पूछ रहा है, तो ये कथन कह रहा है कि खाता खोलने की आवश्यकता फोटो की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब जितनी बार आप खाता खोलेंगे तो फोटो की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यही ऑप्शन आपको गलत में सही विकल्प चूज करना है कि ये कथन गलत है, गलत हमें चूज करना है। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति बैंक के ग्राहक से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है और उसके खाते की जानकारी मांगता है तो ऐसे व्यक्ति से अनुरोध है, और यहाँ पे जगह छूटी हुई है, और इसलिए बैंकर को प्रकटीकरण, यहाँ पे जगह छूटी हुई है। इफ एनी पर्सन डिड नॉट डायरेक्टली कंसर्न विद ए बैंक कस्टमर सॉलिसिट्स इंफॉर्मेशन ऑन हिज अकाउंट, द रिक्वेस्ट फ्रॉम सच ए पर्सन इज, यहाँ पे जगह छूटी है, एंड हेंस द बैंकर यहाँ पे मेक डिस्क्लोजर। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक के ग्राहक से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है और उसके खाते की जानकारी मांगता है तो ऐसे व्यक्ति से अनुरोध है, क्या अनुरोध है, और इसलिए बैंकर को प्रकटीकरण। तो यहाँ पे जो बीच में ऑप्शन देना है, ब्लैंक स्थान है, तो हमें यहाँ पर देना है कि अप्रासंगिक नहीं करना चाहिए। तो अनुरोध अप्रासंगिक है और बैंकर को प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शुड नॉट, ये पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये ऑप्शन पहला नंबर ही सेलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग परिचालन के परिप्रेक्ष्य से खाते में आधार संख्या को जोड़ने या सीडिंग करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लाभ होता है। नंबर एक कह रहा है, सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न सब्सिडी लाभ योजनाओं जैसे डीबीटी या डीबीटीएल या मनरेगा का लाभ आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एपीबी, के जरिए सीधे बैंक खातों में जमा होता है, जिसे क्षरण या भ्रष्टाचार की रोकथाम होती है। नंबर दो कह रहा है, शाखा और वीसी नेटवर्क पर उपलब्ध केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से खाता खोलने में केवाईसी, यानी केवाईसी का ये हिंदी में कह रहा है फुल फॉर्म जो होता है अंग्रेजी में नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर तीन कह रहा है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो UIDAI होता है के डेटाबेस से ग्राहक के बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के आधार पर बीसी नेटवर्क के जरिए आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ABPS का उपयोग करते हुए बैंकिंग सेवाएं या लेन देन। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी मिल जाएगा, आप अंग्रेजी में भी इसका आंसर दे सकते हैं। अंग्रेजी में यही क्वेश्चन कहेगा कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस लिंकिंग या सीडिंग ऑफ आधार नंबर इन द अकाउंट फैसिलिटेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बेनिफिट्स।
नंबर एक में कह रहा है क्रेडिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट इज स्पॉन्सर्ड सब्सिडी या बेनिफिट स्कीम सच एज DBT या DBT या मनरेगा डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट थ्रू आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम थस प्रिवेंटिंग लीकेज या करप्शन। नंबर दो कह रहा है यूज्ड एज KYC नो योर कस्टमर इन अकाउंट ओपनिंग थ्रू EKYC प्रोसेस अवेलेबल एट ब्रांच एंड BC नेटवर्क। नंबर तीन कह रहा है बैंकिंग सर्विस या ट्रांजेक्शन्स यूजिंग आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ABPS थ्रो BC नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द कस्टमर फ्रॉम UIDAI डेटाबेस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यही सेलेक्ट करना है नंबर चार का 1, 2 और 3। इसके सारे क्वेश्चन आपको क्या है ये लाभ प्रदान करते हैं, ठीक है। बैंकिंग परिचालन के लिए आपको सभी क्वेश्चन एक साथ ले लेना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में 1, 2 और 3 क्वेश्चन अगर ऑप्शन आए तो ज़्यादातर वही आपको ऑप्शन चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों के लिए वित्तीय शिक्षा के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर बैंक्स। तो जो बैंकों के लिए वित्तीय शिक्षा के संदर्भ में कथन है इनमें दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कथन गलत है। उनमें से एक अनजान ग्राहक ऋण उत्पादों से जुड़े जोखिमों को महसूस किए बिना अच्छी तरह पैक किए गए ऋण उत्पादों की ओर आकर्षित होता है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है कि जो अनजान व्यक्ति होगा वो ऋण से जुड़े उत्पादों को के लिए वो क्या करता है आकर्षित नहीं होता है। पहले उनको जानकारी लेनी पड़ती है, जानकार बनेगा बैंक के लिए तभी उसको ऋण प्राप्त होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको नंबर एक सेलेक्ट करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल बैंकिंग की एक विशेषता है। तो जो डिजिटल बैंकिंग है उसमें विशेषता कौन सी है। नंबर एक में कह रहा है यह नई नवोन्मेषी तकनीकी और बैंकिंग उपकरणों के उपयोग को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य बैंक डिजिटल तकनीकों की ताकत का लाभ उठाना है। और नंबर तीन कहता है कि यह मानक ऑनलाइन या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं को आबद्ध करता है। तो दोस्तों जो डिजिटल बैंकिंग है डिजिटल बैंकिंग की विशेषता यही होती है कि जो ये वो मानक ऑनलाइन मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं को आबद्ध करता है। उसके बाद डिजिटल तकनीकों की ताकत का लाभ उठाना भी इसका एक उद्देश्य है। और यह नई नवोन्मुखी तकनीकियों को और बैंकों बैंकिंग के उपकरणों के उपयोग को संदर्भित करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के आपको 1, 2 और 3 वाला ऑप्शन चौथा नंबर ही सेलेक्ट करना है। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं पढ़ के जो भी समझ में आए हिंदी अंग्रेजी, तो आप उसका ऑप्शन देखकर उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारोबार प्रतिनिधियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक द्वारा सामान्य निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर जनरली टेकन बाय ए बैंक फॉर मिटिगेटिंग रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ बिजनेस करेस्पोंडेंट। जो कारोबार प्रतिनिधि होते हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में जोखिम को जो कम करने के लिए वो कौन सा उपाय बैंक द्वारा नहीं किया जाता। तो दोस्तों जो कारोबार प्रतिनिधि होते हैं जो BC होते हैं उनको बैंक द्वारा सही काम के लिए सही व्यक्ति की पहचान करता है बैंक तभी उसको काम मिलेगा। कारोबार प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण सक्षम प्रतिकार पैकेज भी मिलता है। 20,000 रुपये से अधिक नकदी धारण सीमा की शर्त भी रहती है। लेकिन कारोबार प्रतिनिधि के कार्यालय में या नकदी ले जाने के लिए मार्गस्थ बीमा सुरक्षा तो ये बैंक की तरफ से नहीं मिलता है कि वो चाहे जितने पैसे ले जाए उसके लिए मार्गस्थ सुरक्षा बीमा बैंक प्रदान नहीं करता, उसको स्वयं से लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको चौथा ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कारोबार प्रतिनिधि के कार्यालय में या नकदी ले जाने के लिए मार्गस्थ बीमा सुरक्षा वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राहक सेवा केंद्र जिसको CSP बोलते हैं
द्वारा जमा लेन देन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम आवश्यक नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट ए डिपॉजिट ट्रांजेक्शन बाई ए कस्टमर सर्विस पॉइंट CSP। तो जो ग्राहक सेवा केंद्र है उनके द्वारा जमा लेन देन निष्पादित करने के लिए जो उनके द्वारा कदम उठाया जाता है वो कौन सा नहीं होता है? तो ग्राहक को स्मार्ट कार्ड CSP में लाना होगा, ये कदम जो है आवश्यक नहीं होता है। CSP संग्रह की राशि को टर्मिनल एप्लीकेशन प्रविष्ट करता है, ग्राहक का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है और जमा के प्रमाण के रूप में एक रसीद मुद्रित की जाती है। तो ये ऑप्शन तो ग्राहक CSP द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ये ग्राहक को स्मार्ट कार्ड CSP में लाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आधार कार्ड से या नंबर से भी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसी कॉन्ट्रैक्ट कार्ड युक्त हैंड हेल्ड डिवाइस के कार्य करने के चरणों का सही क्रम है? नंबर एक कह रहा है ग्राहक की वित्तीय लेन देन की पसंद के आधार पर एजेंट एप्लीकेशन में उपयुक्त विकल्प का चयन करता है। नंबर दो कहता है एजेंट का मोबाइल एप्लीकेशन एक रसीद प्रिंट करता है जिस पर ग्राहक हस्ताक्षर करता है या अंगूठे का निशान लगाता है। और नंबर तीन कहता है एजेंट और ग्राहक को सत्यापित करने के बाद सर्वर लेन देन को ऑनलाइन सत्यापित संसाधित करता है। नंबर चार कहता है कि जब ग्राहक लेन देन के विवरण से संतुष्ट हो जाता है तो वह लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए अपना अंगूठा फिंगर प्रिंट पर स्कैनर पर रखता है। तो इसमें जो कार्यकर्णों का सही चरण है वो तो पहला तो होगा ही, फिर उसके बाद दूसरा होगा, पहला होगा एप्लीकेशन में उपयुक्त करेगा, फिर दूसरे में क्या करेगा एजेंट का मोबाइल एप्लीकेशन है एक प्रिंट करता है, ये तो बाद का होगा, पहले तीसरा नंबर करेगा एजेंट और ग्राहक को सत्यापित करने के लिए सर्वर लेन देन को ऑनलाइन संसाधित करना, ये तीसरा कार्य होगा, फिर चौथा कार्य ये हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा कार्य होगा रसीद देने का, तो ये चौथा दूसरा कार्य हो जाएगा। तो इसलिए इस क्रम क्वेश्चन के सही क्रम होंगे पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन ए नंबर सेलेक्ट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कारोबार प्रतिनिधि BC और कारोबार सुलभकर्ता जिसको BF को बोलते हैं कि प्रकार प्रणाली प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम का सामना करती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कारोबार प्रतिनिधि BC या कारोबार सुलभकर्ता BF होते हैं उनकी कार्य प्रणाली प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों के प्रति महत्वपूर्ण जो जोखिमों का सामना करती है उनके लिए कथन कौन सा सही नहीं है? तो उसके लिए कथन आपको गलत कथन चूज करना है, यही वाला कि प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग उत्पादों में लेन देनों की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है और यदि ऐसे उत्पादों में सम व्यवहार करने वाले BC एजेंट इन चिंताओं से भली भांति परिचित नहीं तो समस्या और बढ़ जाएगी। यही आपको गलत कथन में चूज करना है। इन टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंकिंग प्रोडक्ट द सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस ए ब्रिज इशू एड इफ दीज कंसर्न्स आर नॉट क्लियरली नोन टू द BCAs हु सच प्रोडक्ट द प्रॉब्लम विल एग्रीवेट। तो गलत में आपको दूसरे नंबर प्रौद्योगिकी वाला ही आपको चूज करना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि कारोबार प्रतिनिधि BC और कारोबार सुलभकर्ता BF को प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों या समस्याओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सही नहीं है? BCs या BFs मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू आर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यू एप या प्रॉब्लम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट करेक्ट। इसमें भी कह रहा है कि सही पहलू कौन सा नहीं है। तो दोस्तों सही पहलू तो ये सारे होंगे, प्रणाली में संचार खराबी होने पर BC या BF को कोई लेन देन संचारित या निष्पादित नहीं करना चाहिए बिल्कुल, अगर सर्वर की प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको ट्रांजेक्शन नहीं करना। प्रणाली के माध्यम से कोई लेन देन रसीद या पावती उत्पन्न जनरेट नहीं होने की स्थिति में BC BF को लेन देन नहीं करना चाहिए बिल्कुल।
और अगला कह रहा है BC BF के ग्राहकों से सीधे चेक जमा नहीं लेना चाहिए, ये भी सही। और कह रहा है BC या BF ग्राहकों के पक्ष में किसी प्रकार की गारंटी देकर ग्राहकों से सीधे कुछ शुल्क ले सकता है, बिल्कुल नहीं। तो BC को कोई भी सेवा शुल्क नहीं लेनी है ग्राहकों से, इसलिए इस क्वेश्चन का जो पहलू नहीं है BC BF के लिए वो यही होगा कि BC या BF ग्राहकों के पक्ष में किसी प्रकार की गारंटी देकर ग्राहकों से सीधे कुछ शुल्क ले सकता है, ये पहलू BF या BC के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है कारोबार प्रतिनिधि BC कई बैंकिंग क्रियाकलाप करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू गलत कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स एनैक्ट मेनी बैंकिंग एक्टिविटीज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो जो कारोबार प्रतिनिधि BC हैं वो तो कई बैंकिंग क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके साथ जो काम करने का कथन नहीं गलत है वो क्या है? तो बैंक ग्राहकों को छोटे मूल के आहरण और छोटे मूल की जमा राशि के संग्रह की सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल। CD खाते खोलना और बैंक ग्राहकों के OVD यानी KYC का अधिप्रमाण करना, ये भी है। आधार अधिप्रमाणन के साथ बचत खाते खोलना और आवश्यक KYC MS अनुपालन के लिए बैंक में दस्तावेज प्रस्तुत करना, ये भी है। लेकिन कह रहा है बैंक उधारकर्ताओं से EMI या किस्तों या निर्धारित ब्याज की वसूली, तो ये BC के लिए नहीं होता है। ये कथन क्या है आपको गलत में, यही ऑप्शन आपको सही चूज करना है। पहला नंबर कि बैंक उधारकर्ताओं से EMI या किस्तों निर्धारित ब्याज की वसूली, रिकवरी ऑफ EMI या इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट एज शेड्यूल फ्रॉम बैंक बारोवर्स, ये गलत कथन है बैंक कारोबार प्रतिनिधि के लिए, इसलिए आपको यही ऑप्शन चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवास ऋण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाउसिंग लोन्स इज नॉट करेक्ट। तो जो आवास लोन के लिए कथन होते हैं वो कौन से होते हैं? मकान या फ्लैट की खरीद या निर्माण या उन्नयन विस्तार के लिए आवास ऋण दिया जा सकता है, बिल्कुल। होम लोन भी मिलता है, बिजनेस लोन भी मिलता है बैंक की तरफ से। आवास ऋण की राशि में वैकल्पिक रूप से भूमि की लागत और उस पर घर के निर्माण की लागत, फ्लैट और आंतरिक साज सज्जा की लागत को मार्जिन रखकर शामिल किया जाएगा, ये कथन गलत है। बैंक ऐसा नहीं करता, इस हिसाब से ऋण नहीं मिलता है, इसलिए आपको यही क्वेश्चन का ऑप्शन गलत में सेलेक्ट करना है। बाकी आपको सही मिलेंगी। उधारकर्ता का प्रकार एकल या संयुक्त या कारपोरेट हो सकता है। और कहता है प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी जो होते हैं, यदि भूमि या मकान फ्लैट का प्रथम बंधक स्वामी के पंजीकरण उपलब्ध नहीं है तो ऋण को सुरक्षित करने के लिए अन्य चल संपत्ति पर विचार किया जा सकता है। जी हाँ, अगर भूमि बंधक है या कुछ और है तो उसको सुरक्षित करने के लिए दूसरी संपत्ति ली जाएगी, प्रदान किया तभी जाएगा, ऋण प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन का आपको दूसरा नंबर ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि व्यवसाय संपर्की एजेंट निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकता है? तो जो व्यवसाय संपर्की एजेंट होता है वो कौन सा कार्य करता है? खाता खोलने के लिए फॉर्मों का संग्रहण और उन्हें भरना। नंबर 1 में कहता है खाता खोलने के फॉर्मों का संग्रहण और उन्हें भरना, बिल्कुल सही। नंबर 2 कहता है ऋण आवेदन फॉर्मों का संग्रहण और प्रसंस्करण, ये भी बैंक करता है व्यवसाय संपर्की एजेंट। और तीसरा कहता है छोटी जमा राशियां और आहरणों का संग्रहण और भुगतान, ये भी करता है। चौथा कहता है सुरक्षित जमा लाकर खोलने के फॉर्मों का संग्रहण और उन्हें भरना, ये कार्य व्यवसाय संपर्की एजेंट का नहीं होता है चौथा नंबर। बाकी 1, 2, 3 होते हैं व्यवसाय संपर्की एजेंट के, चौथा नंबर बैंक का कार्य होता है, इसलिए आपको केवल 1, 2 और 3 ऑप्शन वाला घा नंबर सेलेक्ट करना है उत्तर के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY एक राष्ट्रीय मिशन कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ आरंभ की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रासंगिक है? PMJDY स्कीम ए नेशनल मिशन वाज लॉन्च्ड विद सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
मोस्ट रिलेवेंट। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उस मिशन के उद्देश्य क्या क्या हैं, उनमें से कौन सा उद्देश्य अधिक प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, उस इनमें से आपको बताना है। तो कह रहा है ऑप्शन ए में, केवल समाज के कुछ वर्गों अर्थात कमजोर निम्न आय वर्ग के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करना, कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, रुपए डेबिट कार्ड, बीमा सुरक्षा आदि प्रदान करके वंचित वर्ग के लिए वित्तीय सेवाओं तक सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करना। और नंबर चौथा तीसरा कह रहा है, केवल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी परिवारों को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, रुपए डेबिट कार्ड, बीमा सुविधा आदि प्रदान करना। ये कथन जो क्या है, ये PMJDY का एक प्रमुख उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। तो इसमें से गा नंबर ही सही ऑप्शन है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना खोली गई थी, वो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में परिवारों को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, रुपए डेबिट कार्ड और बीमा सुरक्षा आदि प्रदान करने के उद्देश्य से खोली गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का आपको गा नंबर यानी तीसरा नंबर सेलेक्ट करना है, यही वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, DBT जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बैंक खाते को आधार से जोड़ने के माध्यम से किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर इज इफेक्टेड थ्रू बाय लिंकिंग ऑफ बैंक अकाउंट विद आधार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिकॉर्ड। पहला कह रहा है LPG सब्सिडी द्वारा अन्य सरकारी योजनाओं के तहत भुगतान और पात्र सब्सिडी का प्रत्यक्ष जमा ऐसे लाभार्थियों के खाते में संबंधित, डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ LPG सब्सिडी पेमेंट अंडर अदर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एलिजिबल सब्सिडीज आर इफेक्टेड बाय द कंसर्न एजेंसीज इन अकाउंट ऑफ सच बेनिफिशियरी। तो DBT का जो मेन उद्देश्य होता है, कार्य होता है, सही कथन है, यही वाला आपको मिलेगा, LPG वाला। LPG वाला ही आपको सेलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रुपे डेबिट कार्ड एक स्वदेशी घरेलू कार्ड है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो रुपे डेबिट कार्ड होते हैं, रुपे डेबिट कार्ड इज एन इंडिजेनियस डोमेस्टिक कार्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कंटेंट। तो जो रुपे डेबिट कार्ड होता है, वो घरेलू स्वदेशी कार्ड माना जाता है। उनमें से सही कथन यही होगा कि NPCI द्वारा जारी और सभी ATM और POS मशीनों में स्वीकार होता है। ये जो रुपे डेबिट कार्ड होता है, वो सभी मशीनों के लिए स्वीकार होता है जो NPCI द्वारा जारी होती हैं, इशूड बाई NPCI एंड एक्सेप्टेबल इन ऑल ATMs एंड POS मशीन। सभी POS मशीन और ATM में ये स्वीकार होता है, रुपे डेबिट कार्ड। यही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इज नॉट करेक्ट। तो जो सूक्ष्म वित्त वाला ऑप्शन मिलेगा, वो खा नंबर, यानी यह सामाजिक और सामूहिक कार्य के संग्रह के लिए महिलाओं और सशक्तिकरण में मदद करता है। यही आपको ऑप्शन गलत में सेलेक्ट करना है। इट हेल्प्स इन एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन थ्रू कलेक्शन ऑफ सोशल एंड कलेक्टिव एक्शन। यह सामाजिक और सामूहिक कार्य के संग्रह के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करता है। यह सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बारे में गलत कथन है। सही कथन आपको यही होंगे कि निम्न आय वर्ग के उद्देश्य उधारकर्ताओं को कम अवधि के छोटी राशि के ऋण दिए जाते हैं, किफायती मूल्य निर्धारण की दृष्टि से ऋण के प्रति अधिक लचीलापन, और कम आय वर्ग के उधारकर्ताओं को संपार्श्विक प्रतिभूति पर ऋण दिए जाते हैं। ये सही है, ये दूसरे नंबर वाला आपको गलत में सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय समावेशन की व्याख्या समाज के वंचित और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के रूप में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कदम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू डिसएडवांटेज्ड एंड लो इनकम ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड इन दिस रिगार्ड ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो
जो वित्तीय समावेशन वाला गलत कदम है, गलत कथन है, वो यही है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाना, यही आपको गलत कथन आपको चूज करना है, दूर दराज वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। अब बाकी ये स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूह, बैंक सहभागिता मॉडल का शुभारंभ और भारतीय रिजर्व बैंक वाले, ये सही ऑप्शन है, ये गलत कदम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई एडमिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट रोल्स इन इन द इकोनॉमी थ्रू वेरियस रोल्स इन द फंक्शंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरबीआईज रोल इज नॉट करेक्ट। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका होती है उनमें गलत कथन यही होता है कि स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंजों पर नियंत्रण, ये आरबीआई का कार्य नहीं होता है, स्टॉक एक्सचेंज वाला और कमोडिटी एक्सचेंजों पर नियंत्रण। बाकी धन नियंत्रण, बैंकिंग पर्यवेक्षण और बैंकिंग प्रणाली के अंतिम उधारदाता और भुगतान निपटान प्रणाली सुनिश्चित करना, ये आरबीआई की मुख्य भूमिका होती है। इसलिए आपको यही तीसरे नंबर का ऑप्शन गा नंबर सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन कहता है, सुनियोजित बैठकों में ग्राहकों के साथ बातचीत या संवाद से, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, ग्राहक शिकायतों के अवसरों को कम करने में सहायता मिलती है। इंटरेक्शन विद कस्टमर्स एज टाइट स्ट्रक्चर्ड मीट्स हेल्प इन इंडक्टिंग ओकेजन ऑफ कस्टमर कंप्लेंट बाई। तो जो सुनियोजित बैठकों में ग्राहकों के साथ बातचीत या संवाद से ग्राहकों के अवसरों को कम करने में सहायता मिलती है, तो वो कथन ये है कि उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में सुधार लाकर, यानी बैंकिंग सेवाओं की समझ में जब सुधार लाएंगे तभी जो है अवसरों को कम करने में सहायता मिलेगी, और बैठकों को क्या करना है, ग्राहकों के अवसरों को कम करने में सहायता इसी ऑप्शन की सहायता से मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, ग्राहकों की शिकायतों के संबंध में एक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई और बैंकों द्वारा इसका पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन रेस्पेक्ट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स ए ग्रीवेंस एस्केलेशन सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए एंड इज फॉलोड बाई बैंक, पार्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ग्राहकों की जो शिकायतों के संबंध में एक शिकायत निवारण जो निवारण प्रणाली शुरू की गई है उसके लिए गलत कथन यही होगा कि यदि शाखा और नियंत्रक कार्यालय शिकायत प्राप्त होने की तारीख से इसे 7 दिन के भीतर समाधान नहीं कर सकते हैं, इसे आगे की कार्रवाई के लिए ग्राहक से अनुभव प्रधान कार्यालय को उनकी टिप्पणियों के साथ भेजना चाहिए। ये आपको चौथा नंबर ही इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, शाखा वाला, कि ग्राहकों की शिकायतों के संबंध में जो बड़ा ऑप्शन है सबसे नीचे का, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे कौन सा मानदंड कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र, जिसको सीएसपी बोलते हैं, सीएसपी के लिए आवश्यक है, और वो ऑप्शन भी दिए हुए हैं नंबर में, प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा, सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कह रहा है कि कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र के लिए आवश्यक मानदंड क्या क्या होते हैं। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेक्स फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए कस्टमर सर्विस पॉइंट सीएसपी बाय द बीसीज। नंबर 1 कह रहा है कमिटमेंट, नंबर 2 इंटीग्रिटी, और नंबर 3 सोशियो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कारोबार प्रतिनिधि बीसी होते हैं, जो सीएसपी केंद्र चलाते हैं, उनके लिए प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, यानी कमिटमेंट भी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, और सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी होनी चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन ये है, 1, 2 और 3, इसको आपको सेलेक्ट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिवाइस में से कौन सी कॉन्टैक्ट कार्ड वाले हैंडहेल्ड डिवाइस की गलत विशेषता या विशेषताएं हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कॉन्टैक्ट कार्ड वाले हैंडहेल्ड डिवाइस की गलत विशेषता या विशेषताएं हैं। और यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट फीचर्स ऑफ द हैंडहेल्ड डिवाइस विद ए करंट कॉन्टैक्ट कार्ड। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो गलत विशेषता होती है
वो ये है कि डिवाइस में मैग स्ट्रिप कार्ड को सपोर्ट करने के लिए आगे की अनुकूलता होती है, ये बिल्कुल नहीं होती है। और बी नंबर में कहता है लेन देन प्रसंस्करण और निपटान यानी ट्रेनिंग एनेबल्ड कंपेंसेशन पैकेज ऑफ बीसीज, ये भी नहीं होता है, ये गलत विशेषता है। और ये सही ऑप्शन है, हैंड हेल्ड डिवाइसों पर होने वाले क्षेत्र लेन देनों को अपलोड करने के लिए उपयोग किए जाने वाला स्टोर और अग्रेषण तंत्र, ये हैंड हेल्ड डिवाइस की एक विशेषता होती है, जो ये सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि गलत विशेषता कौन सी है, तो गलत विशेषता आपको उपर्युक्त ए और बी, ये दोनों होंगी जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राहक नामांकन के दौरान कारोबार प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विवरण नहीं लिया जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट कैप्चर बाई द बीसी ड्यूरिंग कस्टमर एनरोलमेंट। तो जो कस्टमर इनरोलमेंट किया जाता है कारोबार प्रतिनिधि द्वारा, तो उनमें से कौन सा विवरण नहीं लिया जाता, ये कह रहा है। तो जब बीसी बनाए जाते हैं तो उनके लिए जन्म स्थान की कोई वैल्यू नहीं ली जाती, यानी जन्म स्थान की कोई वो नहीं होती, कहीं कभी वो जन्म हो उसका तो वो नहीं लिया जाता है, ये विवरण नहीं लेंगे। बाकी जन्म की तारीख बीसी के लिए लेना जरूरी है, उंगली की छाप भी लगेगी, शाखा कोड भी लगेगा जिस बैंक से आपको बीसी मिलनी है, तो इसलिए आपको जन्म स्थान सेलेक्ट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ऋण वसूली के लिए प्रभावी रणनीति कहा जा सकता है। नंबर एक कह रहा वसूली का समय देनदारों के नकदी प्रवाह पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। और नंबर दो कह रहा विभिन्न प्रकार के देनदारों के लिए अलग अलग वसूली रणनीतियाँ अपनाएं, बिल्कुल सही। और नंबर तीन कह रहा वसूली का प्रयास देनदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के साथ शुरू होना चाहिए। और नंबर चार कह रहा काम की कठिन प्रकृति को देखते हुए वसूली प्रक्रिया का विशिष्ट बैंक विशिष्ट वसूली मानदंडों के अनुरूप होना जरूरी नहीं है। तो इसमें ऋण वसूली के लिए प्रभावी रणनीति यानी जब ऋण वसूल करना है तो उसके लिए कौन से जो है रणनीति बनाई जाए, उसके लिए क्वेश्चन बताया गया है। और यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ फॉर डेब्ट रिकवरी। द कलेक्शन टाइमिंग शुड बी सिंक्रोनाइज टू द कैश इनफ्लो पैटर्न ऑफ डेब्टर्स। नंबर दो एडॉप्ट डिफरेंट नेसेसरली बी कंप्लाइंट टू द बैंक स्पेसिफिक रिकवरी नॉर्म्स गिवन द डिफिकल्ट नेचर ऑफ द जॉब्स। तो जो ऋण वसूली के लिए प्रभावी रणनीति होती है वो तो होगी कि वसूली के समय देनदारों के नकदी प्रवाह पैटर्न का अनुरूप होना चाहिए, नंबर एक भी सही है। और कह रहा विभिन्न प्रकार के देनदारों के लिए अलग अलग वसूली रणनीति अपना, ये भी राइट है। और तीसरे में कह रहा वसूली का प्रयास देनदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के साथ शुरू होना चाहिए, ये भी ऐसा करना चाहिए। अगर अच्छे संबंध से नहीं करेंगे तो देनदार जो है पैसे देने में यहाँ वहाँ करने लगता है। फिर नंबर चार कह रहा काम की कठिन प्रकृति को देखते हुए वसूली प्रक्रिया का बैंक विशिष्ट वसूली मानदंडों के अनुरूप होना जरूरी नहीं है, ये गलत है, क्योंकि विशिष्ट मानदंडों का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको केवल एक दो और तीन ऑप्शन ही करेक्ट रहेंगे, इसलिए आप पहला नंबर सेलेक्ट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य से इरादतन इरादतन चूक करता यानी विलफुल डिफॉल्टर का संकेत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये साइन ऑफ ए विलफुल डिफॉल्टर फ्रॉम ए बिहेवियरल परस्पेक्टिव। तो जो इरादतन चूक करता है यानी एक प्रकार से कहा जाए कि वो अपनी इच्छा से जो है डिफॉल्ट कर रहा है, चूक कर रहा है, तो उसके लिए यही संकेत होगा कि वे किसी न किसी बहाने वसूली एजेंटों की कॉल का जवाब देने से बचते हैं, यानी जब वसूली एजेंट फोन करते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से बच जाते हैं, यानी दे वुड अवॉइड रेस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स ऑफ द रिकवरी एजेंट्स ऑन वन प्रोटेक्स्ट आर एनादर, यानी किसी न किसी बहाने से वो कॉल का जवाब देने से बचते हैं। यही आपको क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ परिदृश्यों में बैंक उन वसूली एजेंटों को समझौता करने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं जिन्होंने संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत ऋणों पर बातचीत करने और उसके एक हिस्से की वसूली करने में विशेषज्ञता साबित की है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा परिदृश्य नहीं है, यानी जो कुछ बैंक हैं
उनमें वसूली एजेंटों को समझौता करने की शक्ति या प्रत्यायोजित कर सकते हैं जिन्होंने संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत ऋणों पर बातचीत करने और उसके लिए एक बड़े हिस्से की वसूली करने में विशेषज्ञता साबित की है। इन सर्टेन सिनेरियोस बैंक्स में डेलीगेट पावर्स ऑफ कंप्रोमाइज टू द रिकवरी एजेंट्स हु हैव प्रूवन एक्सपर्टाइज इन निगोटिएटिंग एंड रिकवरिंग ए लार्ज पोर्शन ऑफ द डेब्ट्स क्लासिफाइड इन डाउटफुल रिकवरी, यानी संदिग्ध श्रेणी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच ए सिनेरियो, तो जो परिदृश्य नहीं है इनमें से वो परिदृश्य है कि जहां प्रतिभूति दस्तावेज गायब हैं या क्षतिग्रस्त हैं और न्यायालय में दाखिल नहीं किए जा सकते, यानी वेयर द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग आर इम्पेयर्ड एंड कैन नॉट बी फिल्ड इन द फाइल्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जो प्रतिभूति दस्तावेज जो होते हैं, जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर वो नष्ट है या गायब है वो न्यायालय में दाखिल नहीं किए जा सकते, तो वो जो है ऐसा परिदृश्य नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको इस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करना है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए किसान क्लब कार्यक्रम जो 2005 में चालू किया गया था का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फ्रॉम द फार्मर्स क्लब प्रोग्राम 2005 स्टार्टेड बाय नाबार्ड, तो जो नाबार्ड के द्वारा 2005 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था वो किस लिए शुरू किया गया था, तो जो नाबार्ड का कार्यक्रम शुरू किया गया था वो नाबार्ड के समर्थन और वित्तीय सहायता से बैंकों की ग्रामीण शाखाएं, गैर सरकारी संगठनों और किसान विकास केंद्रों आदि द्वारा आयोजित या संगठित जमीनी स्तर के अनौपचारिक क्लब हैं, यानी दीज आर ग्रास रूट लेवल इंफॉर्मेशन क्लब्स ऑर्गेनाइज बाई रूरल ब्रांचेज एनजीओज एंड केवी केज ETC विद सपोर्ट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम नाबार्ड। ये नाबार्ड द्वारा चालू किया गया यही एक कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण बैंक, सरकारी संगठन और किसान विकास केंद्र, इनके द्वारा जमीनी स्तर के और अनौपचारिक क्लब बनाए गए। तो यही क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी नंबर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि संदिग्ध ऋण के बातचीत से तय समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट निगोटिएटिंग सेटलमेंट ऑफ ए डाउटफुल डेप्ट, जो संदिग्ध ऋण है, तो संदिग्ध ऋण के समय के बातचीत से तय समझौते के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो कथन है वो है कि प्राधिकार की सीमा और समझौते के मानदंडों जैसे ब्याज या मूलधन या दोनों में कमी और कुल देय राशियों में इसका प्रतिशत का एजेंट द्वारा पालन किया जाएगा, तो जो प्राधिकार की सीमा होती है उसके लिए एजेंट के द्वारा पालन किया जाएगा यानी नहीं किया जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए, तो ये कथन सही नहीं है। द एक्सटेंस ऑफ अथॉरिटी एंड पैरामीटर्स ऑफ कंप्रोमाइज एग्जाम्पल रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट आर प्रिंसिपल आर बोथ एंड इट्स परसेंटेज टू द टोटल ड्यूज विल बी एडहेयर्ड टू बाई द एजेंट, तो यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक का कर्तव्य नहीं है, तो बैंक का क्या कर्तव्य नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ बैंक, तो जो बैंक का कर्तव्य नहीं होता है वो बैंक का कर्तव्य नहीं होता है कि चेक बिल आदि एकत्र करने का कर्तव्य। बैंक जो है चेक और बिल कभी एकत्र नहीं करता, वो चेक इशू करता है, पासबुक इशू करता है, खाता विवरण देता है और ग्राहक के खाते के बारे में गोपनीयता भी बनाए रखता है और उसकी व्यवसायिक गतिविधियों को उसकी ओर चलाने का कर्तव्य करता है, लेकिन चेक बिल आदि एकत्र करने का कर्तव्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सक्रिय श्रवण BCA के लिए अच्छे संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सक्रिय श्रवण के फायदे की पहचान करें। तो मैं बात करता हूँ सक्रिय श्रवण की, तो सक्रिय श्रवण क्या होते हैं, एक्टिव लिसनिंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन फॉर BCA, आइडेंटिफाई एन एडवांटेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, तो जो सक्रिय श्रवण BCA होते हैं, जो
किसी की बातों को पहले सुनते हैं, वो काम करते हैं, वो सक्रिय श्रवण कहलाते हैं। तो उनके फायदे की पहचान क्या होगी? तो सक्रिय श्रवण के लिए होता है कि इससे ग्राहक की वास्तविक वित्तीय आवश्यकता को समझने में मदद मिलती है। जो सक्रिय श्रवण होते हैं उसके माध्यम से ये फायदा होता है कि ग्राहक की वास्तविक वित्तीय स्थिति को, आवश्यकता को समझने में मदद मिलती है। यही सक्रिय श्रवण की सबसे अच्छी फायदे की बात है। क्वेश्चन अगला है कि प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए बीसीए को कुछ गुणों को आत्मसात करना होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन या कथनों की पहचान करें। तो जो बीसीए के गुणों को जो आत्मसात करना होगा, वो कौन से कथन गलत हैं? नंबर एक कहता है कि उसे ग्राहकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये गलत बता रहा है, लेकिन ये ग्राहकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तो सही है कि ग्राहकों के प्रति तो संवेदनशील होना ही चाहिए। उसे वित्त और वित्तीय उत्पादों पर ज्ञान विकसित करना और उसे समझाना चाहिए, ये भी राइट है, ये बीसीए का कार्य होता है। उसे अपना आत्मविश्वास और कौशल विकसित करना चाहिए, राइट। उसे वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री को बढ़ावा देना चाहिए, तो गलत बिक्री को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये गलत कथन कह रहा है। तो इसलिए इसमें क्या है, ऑप्शन चौथा नंबर सही होगा। गलत कथन पूछ रहा है तो ये गलत होगा, बाकी 1, 2, 3 ये सही होंगे। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस बी सी हैज टू इम्बाइब सर्टेन क्वालिटीज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही या सी शुड बी सेंसिटिव टू द कस्टमर्स, ही या सी शुड डेवलप एंड अंडरस्टैंड नॉलेज ऑन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ही या सी शुड डेवलप हिज या हर कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स, ही या सी शुड प्रमोट मिस सेलिंग द ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो मैंने बताया कि इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा, चौथा नंबर, जो गलत पूछ रहा है कि गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन आपका चौथा नंबर ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारोबार प्रतिनिधि एजेंट बीसीए का सही ढंग से वर्णन करता है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ए बिजनेस करस्पोंडेंस एजेंट, जिसको बीसीए कहते हैं। तो जो बीसीए के लिए सही कथन है, वो उसके लिए जो एक प्रकार से सही वर्णन करता है, तो वो है कि बीसीए बैंक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के बीच एक मध्यस्थ या सेतु है। यानी बीसीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से जो बैंक से वंचित है या आर्थिक रूप से दूर हैं, वो उनके लिए एक मध्यस्थ सेतु है, एक प्रकार से पुल है, ब्रिज है, जो आर पार करने का कार्य करता है। वो बीसीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। बीसीए की मदद से कहीं बैंक नहीं है तो बीसीए की मदद से लोगों को पैसे निकालने, जमा करने की सुविधा प्राप्त होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंक की ग्राहक शिकायत निवारण नीति में निम्नलिखित में से कौन से पहलू शामिल होने चाहिए? तो जो ग्राहक शिकायत नीति है, उनके लिए पहलू कौन से होंगे? कहता है नंबर एक में ग्राहकों के साथ हर समय उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ग्राहकों के साथ तो उचित व्यवहार किया ही जाना चाहिए, इसमें सही पूछ रहा है तो ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा कह रहा है ग्राहकों को संगठन के भीतर उसकी शिकायत या शिकायतों को आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में बताया जाना चाहिए, ये भी सही। तीसरा कहता है बैंक को सभी शिकायतों का कुशलतापूर्वक और समय पर समाधान करना चाहिए, क्योंकि वे बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। नंबर चौथा कह रहा है ग्राहक की शिकायत का समाधान प्रदान करते समय समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो समय सीमा का पालन करने की तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ग्राहक अगर कंप्लेन करता है तो उसकी शिकायत का समाधान जल्द से जल्द करना बैंक का कर्तव्य माना जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा कि बैंक्स पॉलिसी फॉर द कस्टमर्स ग्रीवेंस रिट्रेशल शुड कवर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। नंबर एक कहता है कि कस्टमर्स आर टू बी ट्रीटेड फेयरली एट ऑल टाइम्स। नंबर दो, कस्टमर शुड बी इंफॉर्म्ड ऑफ एवेन्यूज टू एस्केलेट दियर कंप्लेंट्स ग्रीवेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन।
नंबर तीन कहता है बैंक इज टू ट्रीट ऑल कंप्लेंट्स एफिशिएंटली एंड टाइमली एज दे कैन डैमेज द बैंक्स रेपुटेशन। नंबर चार कहता है व्हाइल प्रोवाइडिंग ए रिजोल्यूशन टू ए कस्टमर्स कंप्लेंट टाइमली नीड्स नॉट टू बी एडहेयर टू। तो जो बैंक की निवारण नीति के अंतर्गत पहलू होते हैं उनमें से आपको अच्छे से अगर आप इस क्वेश्चन को आप ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन विकल्प इसके हिसाब से सही बैठते हैं। तो इस क्वेश्चन के सही विकल्प आपके कौन से मिलेंगे, पहला होगा, दूसरा और तीसरा होगा, लेकिन चौथा नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अनुरूप कई बैंकों ने विशेषकर गाँव में ऋण परामर्श केंद्र शुरू किए हैं, ऐसे केंद्रों के कार्य हैं। तो ऐसे केंद्रों के कार्य क्या क्या हैं यहाँ पे देना है। तो नंबर कहता है कि वित्तीय उत्पादों सेवाओं और वे कहाँ उपलब्ध हैं के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये भी सही है। बैंक खाता खोलने के संबंध में मार्गदर्शन करना, राइट। बचत प्रबंधन और निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये भी बैंक का कर्तव्य है। और मौजूदा ऋण के प्रबंधन पर मार्गदर्शन करना। तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अनुरूप है, ये गांव में परामर्श केंद्र खोले गए हैं, उनके लिए ये तो चारों मार्ग जो है परामर्श सही होंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये सही क्वेश्चन आपके यही होगा। आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आप ही अपने स्तर से पढ़ेंगे तो आप बिना उत्तर देखे आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा कि क्या कहता है कि इन लाइन दर आरबीआई स्कीम मेनी बैंक्स हैव लॉन्च्ड क्रेडिट काउंसलिंग सेंटर्स स्पेशली इन विलेजेज। द फंक्शंस ऑफ सच सेंटर्स आर, नंबर एक कहता है इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड वेयर दे आर अवेलेबल, गाइडेंस ऑन ओपनिंग ऑफ ए बैंक अकाउंट। नंबर तीन कहता है इंफॉर्मेशन ऑन मैनेजिंग सेविंग एंड द एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर चार कहता है गाइडेंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट्स। तो अभी बताया कि इस क्वेश्चन के लिए चारों ऑप्शन फिट बैठते हैं, तो क्वेश्चन का ऑप्शन ये चौथा नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आ गए। अगला क्वेश्चन कहता है कि तत्काल भुगतान सेवा, जिसको IMPS कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो तत्काल भुगतान सेवा है उसके लिए कौन कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन कह रहा है कि यह सार्वजनिक अवकाश सहित पूरे वर्ष और समय के लिए उपलब्ध है। तो मैं बताना चाहूँगा कि IMPS की सेवा जो होती है वो सार्वजनिक अवकाश सहित पूरे वर्ष और समय के लिए उपलब्ध होती है। नंबर दो कहता है इंटरनेट या ATM या मोबाइल के माध्यम से उपयोग किए जाने पर पूर्व पंजीकरण होना आवश्यक है। हाँ, अगर आपके पास इंटरनेट है या मोबाइल है तो उस पर पहले आपको नेट बैंकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप IMPS कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है MMID एक 7 अंकों का कोड है और MPIN एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड। हाँ, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो एक MMID होगी, 7 अंकों का कोड, और MPIN आपके पास एक होगा जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। तो तत्काल भुगतान सेवा के लिए सही कथन आपके ये सारे हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन का ऑप्शन आपको 1, 2 और 3 सेलेक्ट करना है। और यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा, यही कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इमीडिएट पेमेंट सिस्टम सर्विस, इट इज अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर एंड टाइम इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। नंबर दो कह रहा है प्रियर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन यूज्ड थ्रू इंटरनेट आर ATM आर मोबाइल, MMID इज ए 7-digit कोड एंड MPIN इज ए ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो मैंने बताया कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, चौथा ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे ऑप्शन होने चाहिए तभी आप IMPS का प्रयोग कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ गए। अगला क्वेश्चन कहता है NPCI एक अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी, जिसको अंग्रेजी में शॉर्टकट में ASA कहते हैं, और KYC सेवा एजेंसी, जिसको KSA कहते हैं, के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ है। तो जो ASA और KSA का फुल फॉर्म होता है, मतलब होता है क्या होता है कि NPCI बैंकों से डेटा प्रदान करता है, प्राप्त करता है। जो NPCI होता है वो बैंकों से डेटा प्राप्त करता है और उसे UID को भेजता है, अब बैंकों को प्रतिक्रिया वापस भेजता है। तो जो NPCI होता है वो बैंक से डेटा प्राप्त करके UIDAI के भेजता है, फिर उसके बाद बैंकों को प्रतिक्रिया वापस भेजता है, यही कार्य NPCI के लिए होता है। NPCI रिसीव द डाटा फ्रॉम द बैंक, सेंड बैक द रिस्पॉन्स ऑफ बैंक।
यानी NPCI के माध्यम से ही अब आपको जो भी सरकारी पेमेंट होगा वो NPCI सिस्टम के माध्यम से ही प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आके, अगला क्वेश्चन कहता है लेन देन टर्मिनल क्या है। यस यस ऑप्शन में कह रहा है नंबर में, यस SC को नगद, CSP को नगद जमा करने और निकालने में सक्षम बनाता है। नंबर दो कहता है कि लेन देन डेटा GPRS कनेक्टिविटी के माध्यम से ऑनलाइन भेजा जाता है। और नंबर तीन कहता है ऑफलाइन लेन देन के लिए लेन देन डेटा टर्मिनल के आंतरिक डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है और मुख्य सर्वर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा कि व्हाट इज ट्रांजेक्शन टर्मिनल, इट इनेबल्स ए CSP टू डिपोजिट एंड विदड्रॉ कैश, द ट्रांजेक्शन डाटा इज सेंट ऑनलाइन थ्रू ए GPRS कनेक्टिविटी फॉर ऑफलाइन ट्रांजेक्शंस, द ट्रांजेक्शन डाटा इज स्टोर्ड इन द इंटरनल डाटाबेस ऑफ द टर्मिनल एंड देन ट्रांसफर टू मेन सर्वर। तो जो लेन देन टर्मिनल होता है उसके लिए क्या होता है कि लेन देन टर्मिनल CSP को नगद जमा करने और निकालने में सक्षम बनाता है नंबर एक, और दो कहता है लेन देन डेटा GPRS कनेक्टिविटी के माध्यम से ऑफलाइन ऑनलाइन भेजा जाता है। ये दो ऑप्शन आपके इस लेन देन टर्मिनल के लिए सही होंगे, एक और दो, तीसरा ऑफलाइन लेन देन इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा IT सूक्ष्म आउटरीच मॉडल नहीं है जिसका उपयोग देश के कुछ बैंक कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट IT इनेबल्ड आउटरीच मॉडल बीइंग यूटिलाइज बाई सम बैंक इन द कंट्री। तो जो आउटरीच मॉडल नहीं होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेस कार्ड के साथ निकट क्षेत्र संचार करते हैं, यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन विद ए कॉन्टैक्ट कार्ड, कॉन्टैक्ट लेस कार्ड। तो कॉन्टैक्ट लेस कार्ड के साथ निकट क्षेत्र संचार, ये जो है आउटरीच मॉडल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नेट प्रोग्राम, यहाँ पे खालिस्तान है के अधीन आरंभ की गई एक योजना है। तो इस क्वेश्चन को मैं कई बार बता चुका हूँ, जहाँ तक है कि सीरीज के सभी क्वेश्चन मैंने आपको पिछली सीरीज में भी बताया है, वही बार बार रिपीट क्वेश्चन किए जा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजी में यही क्वेश्चन मिलेगा कि भारत नेट प्रोग्राम इज वन ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड अंडर किसके अधीन शुरू की गई थी। तो जो भारत नेट प्रोग्राम है वो डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू की जाने वाली एक योजना है, डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत शुरू की गई एक योजना है। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना, जिसको APY शॉर्ट में कहते हैं, भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। APY के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ग्राहकों द्वारा अंशदान के आधार पर प्रतिमाह गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। APY के तहत पंजीकरण के लिए पात्र आयु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अटल पेंशन योजना 18 से 39 साल के बीच वाले व्यक्ति के लिए होती है, और 40 साल के बाद उनका जो है, जब वो 39 साल तक पेमेंट करने 39 साल के बीच वालों के लिए है, और 60 साल के बाद उनको मंथली पेमेंट जो एक पेंशन के तौर पे मिलने लगती है, वो APY की स्कीम है। तो ऑप्शन आपको ये मिलेगा कि 18 वर्ष से 39 वर्ष 364 दिन के आयु वर्ग के व्यक्ति, तो 18 वर्ष से 39 वर्ष वाला पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर टू 39 ईयर्स 364 डेज, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। 18 से 39 वर्ष के बीच वालों को APY का लाभ मिल जाता है, वो APY में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा कि अटल पेंशन योजना APY, ए पेंशन स्कीम फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इज फोकस्ड ऑन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स अंडर द APY गारंटीड मिनिमम पेंशन पर मंथ विल बी गिवेन एट द एज ऑफ 60 ईयर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सब्सक्राइबर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एलिजिबल एज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर APY। तो मैंने बताया कि इसके लिए दूसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। में हम विनियामक मानदंडों के अनुपालन तथा वसूली कौशल और रणनीति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से कैसे समझाते हैं, यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा।
हाउ डू वी बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड कलेक्शन स्किल्स एंड स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ डेब्ट रिकवरी। तो ऋण वसूली के संबंध में जो विनियामक मानदंड होते हैं उनको हम कैसे समझाते हैं, तो ऋण वसूली के जो संबंध होते हैं संदर्भ में वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये ऋण वसूली से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, तो एग्ज़ाम वीडियो में बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित किसी भी जानकारी को संवैधानिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन अंग्रेजी में रहेगा, अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टेटरी डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स अकाउंट। तो जो बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित जानकारी एक वैध रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो होती है अधिनियम बैंक कार बहिसाच अधिनियम, जो 1891 में चालू किया गया था। इस अधिनियम के तहत बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित किसी भी जानकारी को वैधानिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड ने ऋण के माध्यम से विकास के 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए VVV कार्यक्रम शुरू किया है, तो VVV का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पहले पिछली सीरीज में भी आपको यही क्वेश्चन मिला होगा, VVV का आपको रिपीट है हो रहा है एक प्रकार से। तो अंग्रेजी में क्वेश्चन आपको मिलेगा, नाबार्ड इन 1982 हैज स्टार्टेड VVV प्रोग्राम टू प्रोपीगेट द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट थ्रू क्रेडिट, व्हाट डज VVV स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों मैंने बताया अभी तक पिछली वीडियो में कि VVV का फुल फॉर्म विकास वॉलंटियर वाहिनी होता है, इसको आपको ध्यान देना है, विकास वॉलंटियर वाहिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारोबार प्रतिनिधि एजेंट BCA के लिए सॉफ्ट स्किल नहीं है? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल फॉर ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट। BCA का जो फुल फॉर्म होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो एजेंट होता है उसके लिए सॉफ्ट स्किल नहीं होता है, वो जो होता है 10 वर्ष का अनुभव, ये सॉफ्ट स्किल नहीं होता है, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये BCA के लिए सॉफ्ट स्किल का अनुभव ये नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा, एक कारोबार प्रतिनिधि एजेंट जिसको BCA कहते हैं के रूप में आप एक अनिर्णायक ग्राहक की पहचान कैसे करेंगे, यानी एज ए BCA हाउ विल यू आइडेंटिफाई एन इंडेसिव कस्टमर। जो अनिर्णायक ग्राहक होते हैं वो ऐसे ग्राहक होते हैं कि वो सिर्फ अपना देखते हैं, यानी वो चाहते हैं कि उन पर तत्काल ध्यान दिया जाए, यानी BCA के पास अगर वो पहुँचे तो उनका काम तुरंत हो जाए, वो अनिर्णायक ग्राहक कहलाते हैं। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में ऑप्शन मिलेगा, दे विश टू बी अटेंडेंट टू इमीडिएटली, अनिर्णायक ग्राहक के लिए वे चाहते हैं कि उन पर तत्काल ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, एक अधीर ग्राहक से निपटने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी ए लाइकली स्ट्रेटजी टू डील विद एन इम्पेशेंट कस्टमर। तो जो अधीर ग्राहक होते हैं यानी कह सकते हैं कि उनके पास धीरज नहीं होता है, वो अधीर ग्राहक कहलाते हैं, यानी ग्राहक को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना, देरी से बचा जाना चाहिए, ये अधीर ग्राहकों को के लिए एक काम है BCA का, कि ग्राहक को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना, देरी से बचा जाना चाहिए, यानी अटेंड द कस्टमर एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, डिले शुड बी अवॉइडेड, देरी से बचा जाना चाहिए, ऐसे कस्टमर को लिए तुरंत सेवा देनी चाहिए और उनसे बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, मुश्किल देनदार से संपर्क करते समय ऋण वसूली एजेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तार्किक रणनीतियाँ हो सकती हैं।
नंबर एक कह रहा है संपर्क करने के लिए किए गए हर प्रयास का प्रलेखीकरण। नंबर दो कह रहा है कॉल और व्यक्तिगत भेंट या मुलाकातों के दौरान सभी की देनदार की सभी प्रतिक्रियाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग, यह देनदार की पूरी जानकारी में किया जाना चाहिए। तीसरा कह रहा पत्र ईमेल पंजीकृत या डाक द्वारा भेजना जिसमें बकाया राशि का पूरा विवरण हो। ईमेल या पंजीकृत डाक द्वारा भेजना जिसमें वसूली एजेंट द्वारा फोन कॉल और भेंट या मुलाकातों द्वारा देनदार से संपर्क करने के लिए किए गए प्रयासों का पूरा विवरण हो जिनका कोई फायदा नहीं हुआ हो। वो मुश्किल देनदार का ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अंग्रेजी मिलेगा। विच एमंग द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकल स्टेजेज फॉर ए डेब्ट रिकवरी एजेंट व्हाइल कंटेक्टिंग ए डिफिकल्ट डेब्टर, यानी मुश्किल देनदार। नंबर एक कह रहा डॉक्यूमेंटिंग एवरी एफर्ट मेड टू कंटेक्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑल द रिस्पॉन्सेज ऑफ द डेब्टर ड्यूरिंग कॉल्स एंड पर्सनल विजिट्स, दिस शुड बी डन इन फुल नॉलेज ऑफ द डेब्टर्स। नंबर तीन कह रहा है सेंडिंग लेटर्स बाई ई मेल या रजिस्टर्ड पोस्ट कंटेनिंग फुल डिटेल ऑफ द ड्यूज। नंबर तीन का चार कह रहा है सेंडिंग लेटर्स बाई ई मेल्स या रजिस्टर्ड पोस्ट कंटेनिंग फुल डिटेल्स ऑफ द एफर्ट मेड बाई द रिकवरी एजेंट फॉर कंटेनिंग द डेब्टर बाई फोन कॉल्स एंड विजिट विच वेयर ऑफ नो अवेल, यानी जिनका कोई फायदा नहीं हुआ हो। तो दोस्तों मुश्किल देनदार वाला जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये एक दो तीन और चार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यही ऑप्शन सही है, यानी सभी ऑप्शन उसके लिए रणनीतियाँ हो सकती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना की गई है और सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे निष्क्रिय जमा खातों की राशि को इस निधि में अंतरित करें जिनका वर्ष, ये ब्लैंक जगह है, यहाँ पे हमें ऑप्शन देना है, या उससे अधिक समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया, यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड हैज बीन क्रिएटेड बाय आरबीआई एंड ऑल बैंक्स हैव एडवाइज्ड टू ट्रांसफर इन ऑपरेटिव डिपॉजिट अकाउंट्स विच हैव नॉट बीन क्लेम्ड आर ऑपरेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ ईयर्स आर मोर टू द फंड। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की एक नियम है उसमें क्या है कि ऐसे निष्क्रिय जमा खातों की राशि को इस निधि में अंतरित करें जिनका वर्ष, तो 10 वर्ष क्या सेलेक्ट करेंगे, 10 वर्ष या उससे अधिक समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया है। इसमें आपको 10 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय चक्रों में गिरावट के मामले में उपभोक्ता वित्त और वाहन ऋणों के निवल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों, जिसको कोष्टक में कहते हैं, लिखा है एनपीए, यानी उसको कहते हैं एनपीए का हिस्सा है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यही अंग्रेजी में द शेयर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बताया ना, वही एनपीए के फुल फॉर्म, एनपीए टू नेट एडवांसेज इन कंज्यूमर फाइनेंस एंड व्हीकल लोन्स टेंड टू इन द केस ऑफ डाउन टर्न्स इन बिजनेस साइकिल। तो जो व्यवसाय चक्रों में गिरावट के मामले में उपभोक्ता और वित्त ऋणों के निवल अग्रिम में जो अनर्जक आस्तियों का हिस्सा होता है वो क्या कहता है, हैव नो इम्पैक्ट, यानी अप्रभावित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है *99# के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट *99#। तो 99# वाला क्वेश्चन आपको क्या सेलेक्ट करना है कि यूएसडी प्लेटफॉर्म में यह उपयोगकर्ता को वित्तीय, गैर वित्तीय और मूल्य संबंधी सेवाएं जो वैस वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं प्रदान करता है, यही आपको सेलेक्ट करना है। यही क्वेश्चन अंग्रेजी में भी सेलेक्ट करेंगे कि इन यूएसएसडी प्लेटफॉर्म इट ऑफर्स फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल एंड वैल्यू एडेड सर्विस टू द यूजर्स, तीसरे नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल एटीएम का सही वर्णन करता है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ए वर्क साइट एटीएम। तो जो वर्क साइट एटीएम, जो कार्यस्थल एटीएम होते हैं, वो शाखा परिसर के भीतर या शाखा के बहुत निकट स्थित होता है, यानी लोकेटेड विद इन ब्रांच प्रीमिसेस आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ब्रांच। जो शाखा के भीतर या शाखा के बहुत निकट स्थित होता है, वही कार्यस्थल एटीएम माना जाता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है, ब्राउन लेवल एटीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर एक कह रहा है ये एटीएम प्रायोजक बैंक के ब्रांड और लोगों के तहत होंगे। नंबर दो कह रहा है बैंक एटीएम मशीन का मालिक होता है, बिल्कुल सही, और उसका संचालन करता है, उसके बिलों का भुगतान आदि करता है। और नंबर तीन कहता है एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नकदी और संयोजकता प्रणाली प्रदान करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट ब्राउन लेवल एटीएम्स? द एटीएम वुड बी अंडर द ब्रांड एंड लोगो ऑफ द स्पॉन्सर बैंक। ए बैंक ओन्स एंड ऑपरेट्स द एटीएम मशीन, पेज इट्स ईटीसी। नंबर तीन कह रहा है ए प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड कैश एंड कनेक्टिविटी सिस्टम फॉर द एटीएम। तो जो ब्राउन लेवल के एटीएम होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रायोजक बैंक के ब्रांड के लोगो के तहत होते हैं। और तीसरे नंबर में एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नकदी और प्रायोजक संयोजकता प्रणाली प्रदान करती है। तीसरे नंबर एक और दो, एक और तीन ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत इंटरफेस फॉर मनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट भारत इंटरफेस फॉर मनी? तो जो भीम होता है, भीम एप्लीकेशन जिसको कहते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी, उसके विषय में कौन सा कथन गलत है? उसमें आपको यही कथन गलत किया जा सेलेक्ट करना है कि इसका उपयोग छोटे मूल्य के भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग स्मॉल वैल्यू सर पेमेंट्स, क्योंकि ये जो भीम का यूज होता है वो छोटे मूल्य के भुगतान करने के लिए भी किया जाता है। तो यही ऑप्शन आपको गलत में सेलेक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर वित्तीय लेन देन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? तो जो गैर वित्तीय लेन देन नहीं होता है वो होता है डीटीएच का रिचार्ज। डीटीएच रिचार्ज एक प्रकार से गैर वित्तीय लेन देन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एटीएम कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो एटीएम कार्ड होता है वो केवल किसी एटीएम में लेन देन के लिए होता है, व्यापारी के साथ बिक्री केंद्र डिवाइस पर लेन देन के लिए होता है, इंटरनेट पर ऑनलाइन लेन देन के लिए भी होता है। तो ये सारे कार्ड एटीएम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन उपर्युक्त सभी ऑल ऑफ द एबो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंकों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन यानी किसी प्रतिभागी बैंक के में सक्षम बनाती है। यह आईएमपीएस को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रदान नहीं करती है? तो दोस्तों आईएमपीएस से संबंधित है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज ए सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू ए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टिसिपेटिंग बैंक। इट डज नॉट प्रोवाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट टू आईएमपीएस। तो जो आईएमपीएस का बेनिफिट होता है वो पी2पी यानी पुश कार्य क्षमता पर होता है, पी2पी पुश फंक्शनलिटी पर आधारित होता है, ये आईएमपीएस का सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य संचित कार्ड प्रीपेड कार्ड से मुख्यतः क्या होता है में भिन्न होता है? तो ए स्टोर्ड वैल्यू कार्ड डिफर फ्रॉम ए प्रीपेड कार्ड प्राइमरली इन
तो जो मूल संचित कार्ड होता है वो प्रीपेड कार्ड से मुख्यतः मूल संचयन व्यवस्था में भिन्न होता है, द वैल्यू स्टोरिंग मैकेनिज्म में भिन्न होता है। ये मूल संचित कार्ड की एक विशेषता होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, चार्ज कार्ड के समान होता है, ए चार्ज कार्ड इज सिमिलर टू। तो जो चार्ज कार्ड होता है वो क्रेडिट कार्ड के समान होता है, चार्ज कार्ड इज सिमिलर टू ए क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र के लिए आवश्यक है? नंबर एक कह रहा प्रतिबद्धता, नंबर दो सत्यनिष्ठा, नंबर तीन आर्थिक स्थिति। विच ऑफ द फॉलोइंग चेक्स फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसको CSP कहते हैं, बाई द BCs। नंबर एक कमिटमेंट, और नंबर दो इंटीग्रिटी, नंबर तीन सोशल इकोनॉमी। तो जो BC के कार्य होते हैं वो तीनों होते हैं, तीनों गुण होने चाहिए, इसलिए आपको तीसरा चौथा ऑप्शन एक दो और तीन सेलेक्ट करना है, यही आपको ऑप्शन सही रहेगा। प्राप्त हुआ है पहला क्वेश्चन में, कह रहा है दोस्तों कुछ एक बैंकों को एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाह दी गई है जो कहलाता है। कुछ एक का मतलब कुछ, यानी सम ऑफ द बैंक सम हैव बीन एडवाइज्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑम्बड्समैन हु इज कॉल्ड। तो जो कुछ बैंक हैं उनके लिए एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाह दी गई है, तो उनको क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो जो कुछ बैंकों में आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाह दी गई है और उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है शिकायत निवारण प्रणाली, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, यानी जो भी ग्राहक की शिकायत है उनके समाधान के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली या शिकायत निवारण अधिकारी एक बैठाया गया है जो सलाह देंगे आपको, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर बैठाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यही आपको आंसर के रूप में चुनना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलकर उसमें धनराशि जमा करता है तो बैंक और उसके ग्राहक के बीच वाला संबंध बनता है। व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट्स मनी बाई ओपनिंग एन अकाउंट विद द बैंक, द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड हिज कस्टमर इज दैट ऑफ। यहाँ पे कह रहा है बैंक और ग्राहक के बीच संबंध। तो जब कोई कस्टमर बैंक में खाता खोल कर उसमें धनराशि जमा करेगा तो क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा, देगा, क्या देगा, पैसा देगा, और बैंक क्या करेगा, लेगा। तो बैंक और ग्राहक के बीच संबंध क्या होगा, तो बैंक एक प्रकार से क्या हो जाएगा, लेनदार होगा लेने वाला, और ग्राहक जो होगा वो देनदार हो जाएगा देने वाला। ठीक, तो आपको लेनदार देनदार ऑप्शन सेलेक्ट करना है पहला नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बीमार या वृद्ध या अक्षम दृष्टिबाधित खाताधारकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला या किए जाने वाले महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निम्नलिखित में से कौन सा है? नंबर एक कहता है, ऐसे व्यक्तियों के अंगूठे या पैर के अंगूठे के निशान की पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जाने चाहिए, जिनमें से एक बैंक का अधिकारी होना चाहिए। तो दोस्तों अंगूठे या पैर का निशान तो नहीं लगता है कहीं भी, तो इसलिए ये तो गलत होगा। दूसरा कह रहा है, यदि ऐसा व्यक्ति बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है तो दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा विधिवत पहचान किए गए चेक या आहरण पर्ची पर एक चिन्ह प्राप्त किया जाना चाहिए। नंबर तीन कहता है, यदि ऐसा ग्राहक उपरोक्त बिंदु एक और दो के आधार पर किसी व्यक्ति को पैसे निकालने के लिए निर्दिष्ट करता है तो बैंक द्वारा ऐसे ग्राहक की ओर से पैसे निकालने वाले व्यक्ति से अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए। चौथा कह रहा है, सभी मौजूदा ATM भावी ATM रैम्प के साथ होने चाहिए ताकि व्हील चेयर उपयोगकर्ता दिव्यांग व्यक्ति उन तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, इसमें पहला ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि पैर के अंगूठे तो लगेंगे नहीं, और ATMों में आप देखेंगे कि व्हील चेयर की जगह नहीं होती है क्योंकि ATM उस हिसाब से बंद बनाए जाते हैं। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन के दूसरा और तीसरा वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चेकों और बिलों की वसूली के मामले में ग्राहक के साथ बैंक का संबंध वाला होता है। इन केस ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स द रिलेशनशिप ऑफ बैंक्स विद द कस्टमर इज दैट ऑफ। तो जब चेक और बिल की वसूली की जाती है तो उस टाइम में ग्राहक के साथ बैंक का जो संबंध होता है वो कौन सा होता है ये बताना है। तो वो संबंध होता है देनदार के रूप में बैंकर और लेनदार के रूप में ग्राहक। ठीक है, देनदार के रूप में बैंकर और लेनदार के रूप में ग्राहक, बैंक एज डेप्टर एंड कस्टमर एज क्रेडिटर, यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आवर्ती जमा खाता खोलना, शेयर बाजार में ट्रेडिंग और चेक भुगतान रोको। तो दोस्तों अंग्रेजी में क्वेश्चन आपको मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज प्रोवाइडेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। पहला कह रहा है ओपनिंग ऑफ RD अकाउंट, तो ये तो ऑनलाइन मिलता है। ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, ये भी ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप चेक पेमेंट, ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा आपकी नेट बैंकिंग पर। तो आप अपनी नेट बैंकिंग पे RD या अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट में भी जा सकते हैं, या स्टॉप चेक पेमेंट यानी अपना खाता चेक का जो भुगतान होता है वो भी रोक सकते हैं। तो इसलिए आपको पहला, दूसरा और तीसरा ये वाले ऑप्शन के घ नंबर का ऑप्शन चूज करना है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है, IMPS वित्तीय लेन देन के लिए प्रयुक्त डिजिटल प्रणालियों में से एक है। IMPS का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों IMPS इज वन ऑफ द डिजिटल मोड्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। IMPS स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे कह रहा है कि IMPS वित्तीय लेन देन के लिए एक प्रमुख प्रयुक्त डिजिटल प्रणालियों में से एक है। IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि IMPS का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी इसके माध्यम से जब भी हम पेमेंट लगाते हैं तो तुरंत 2 सेकंड के अंदर ये पैसा सामने वाले बंदे के पास पहुंच जाता है जहां हम भेजना चाहें। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये जो है IMPS का पूर्ण रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारोबार प्रतिनिधि एजेंट BCA के लिए सॉफ्ट स्किल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल फॉर ए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एजेंट BCA। तो जो BCA होते हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एजेंट होते हैं, उनके लिए कह रहा है कि सॉफ्ट स्किल कौन सा नहीं है। तो जो ध्यान पूर्वक सुनना, ये तो BCA का कर्तव्य है। सकारात्मकता भी होनी चाहिए, आत्मविश्वास भी होनी चाहिए, और कह रहा है 10 वर्ष का अनुभव, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो BCA के लिए अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं, उनके पास ये गुण होना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। 10 वर्ष का अनुभव वाला आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन, सॉफ्ट स्किल नहीं है के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत नेट प्रोग्राम, यहाँ पे ब्लैंक जगह है, के अधीन आरंभ की गई एक योजना है। भारत नेट प्रोग्राम इज वन ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड अंडर। तो जो भारत नेट प्रोग्राम चालू किया गया था वो डिजिटल इंडिया अभियान के तहत चालू किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण योजना है, डिजिटल इंडिया अभियान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा डिजिटल इंडिया कैंपेन, आपको यही चूज करना है, यही आपका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित किसी भी जानकारी को वैधानिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टेटूटरी डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम बनाया गया है जो जिसके तहत बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित किसी भी जानकारी को वैधानिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो अधिनियम कौन सा है, वो अधिनियम है आपका बैंकार बहिसाक्ष अधिनियम 1891 का। इसी अधिनियम के तहत किसी भी बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित किसी भी जानकारी को वैधानिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ग्राहक कहेगा कि मुझे दिखाओ, तो बैंक चाहेगा तो वो नहीं दिखा सकता। बैंकर्स बुक
एविडेंस एक्ट 1891, यही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है तीसरे नंबर का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाबार्ड ने ऋण के माध्यम से विकास के 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए वीवीवी कार्यक्रम शुरू किया। तो नाबार्ड के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, कौन सा? वीवीवी। अब कह रहा है आगे कि वीवीवी का पूर्ण रूप क्या है। नाबार्ड इन 1982 हैज स्टार्टेड वीवीवी प्रोग्राम टू प्रोपिगेट द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट थ्रू क्रेडिट। व्हाट डज वीवीवी स्टैंड्स फॉर? तो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि नाबार्ड ने ऋण के माध्यम से विकास के 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए एक वीवीवी नाम का कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन कह रहा है कि वीवीवी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों वीवीवी का पूर्ण रूप आपको भी पता हो गया होगा, रिपीटेबल क्वेश्चन है। वीवीवी का पूर्ण रूप है विकास वॉलंटियर वाहिनी, विकास वॉलंटियर वाहिनी, यही वीवीवी का पूर्ण रूप होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको चूज करना है, विकास वॉलंटियर आप वाहिनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक अधीर ग्राहक से निपटने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी ए लाइकली स्ट्रेटजी टू डील विद एन इम्पैटेंट कस्टमर? तो जो अधीर ग्राहक होते हैं, यानी जिनके पास धीरज नहीं होते कह सकते हैं, उनसे जो बीसी होते हैं उनसे निपटने के लिए कह रहा है कि क्या करना चाहिए। तो जो अधीर ग्राहक होगा तो उनके पास धीरज तो होगा नहीं, उनको यानी एक प्रकार से कहें कि उनको रुकने के लिए ज़्यादा समय होगा नहीं, वो चाहेंगे कि मैं आऊँ और तुरंत मेरा काम हो जाए। तो ऐसे ग्राहकों से क्या करना है, ऐसे ग्राहकों को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना चाहिए और देरी से बचा जाना चाहिए। बस यही कार्य है कि ग्राहक को, ग्राहक का कार्य पूरा कर दो और आप उसको सेवा प्रदान करके उसका कार्य कर दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, देरी से आप बच जाएंगे। ठीक है, अटेंड द कस्टमर एज अर्ली एज पॉसिबल, डिले शुड बी अवॉइडेड, जितनी जल्दी हो सके आप उसको उसका कार्य कर दीजिए, यही ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा जमाकर्ता और शिक्षा जागरूकता निधि की स्थापना की गई है और सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे निष्क्रिय जमा खातों की राशि को इस निधि में अंतरित करें जिनका वर्ष या उससे अधिक समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड हैज बीन क्रेडिटेड बाय आरबीआई एंड ऑल बैंक्स हैव एडवाइज टू ट्रांसफर इन ऑपरेटिव डिपॉजिट्स अकाउंट व्हिच हैव नॉट बीन क्लेम्ड आर ऑपरेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ ईयर्स आर मोर टू द फंड। तो आरबीआई की एक नई गाइडलाइन आई है, उसमें कहा गया है कि ऐसे निष्क्रिय खाते जिनके माध्यम से कुछ वर्ष, यानी एक प्रकार से कहें कि कितने वर्ष या उससे अधिक समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया है, तो उसमें आपको, इसमें हमें क्या चूज करना है, वर्ष। तो कितने वर्ष नहीं या उससे अधिक समय से दावा नहीं पर किया गया या परिचालन नहीं किया गया, तो वो है 10 वर्ष। ये गाइडलाइन में निकला है कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया है कि वो खाते निष्क्रिय जमा खातों की राशि को उसमें अंतरित करें जिनका 10 वर्ष या उससे अधिक की समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया है। ये 10 वर्ष वाला आपको चूज करना है, 10 नंबर खा नंबर आपको ऑप्शन देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्राउन लेबल एटीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर एक कह रहा है, ये एटीएम प्रायोजक बैंक के ब्रांड और लोगो के तहत होंगे। नंबर दो कह रहा है, बैंक एटीएम मशीन का मालिक होता है और उसका संचालन करता है, उसके बिलों आदि का भुगतान करता है। और नंबर तीन कह रहा है, एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नगदी और संयोजकता प्रणाली प्रदान करती है। यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ब्राउन लेवल एटीएम। नंबर एक, द एटीएम वुड अंडर द ब्रांड एंड लोगो द स्पॉन्सर बैंक। और नंबर दो कह रहा है, ए बैंक ओन्स एंड ऑपरेट द एटीएम मशीन पेज इट्स इट। ठीक है, नंबर तीन कह रहा है, ए प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड्स कैश एंड कनेक्टिविटी सिस्टम फॉर एटीएम। तो नंबर एक में कह रहा है ये एटीएम प्रायोजक बैंक के ब्रांड और लोगों के तहत होते हैं, ये भी सही है। और दूसरा कहता है, बैंक एटीएम मशीन का मालिक होता है और उसका संचालन करता है, उसके बिलों आदि का भुगतान करता है। तो जो बैंक होता है उसका मालिक होता है। और नंबर तीन कहता है, एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नगदी और संयोजकता प्रणाली प्रदान करती है, ये भी सही है।
तो इस क्वेश्चन में आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, तीसरा नंबर, केवल एक दो और तीन, ये आपको नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड यहाँ पे जगह है, के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एन एटीएम कार्ड कैन बी यूज। तो एटीएम कार्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? एटीएम कार्ड केवल किसी एटीएम में लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ओनली फॉर ट्रांजेक्शन एट एन एटीएम। व्यापारी के साथ बिक्री केंद्र डिवाइस पर लेन देन ये भी किया जाता है, फॉर ट्रांजेक्शन एट पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस विद ए परमानेंट मर्चेंट। नंबर तीन कहता है हम इंटरनेट पर ऑनलाइन लेन देन, फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन इंटरनेट ये भी किया जाता है। तो ये सारे कार्य एटीएम के माध्यम से ही किए जाते हैं, इसलिए आपको उपर्युक्त सभी चूज करना है, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। चलिए अगला, चार्ज कार्ड के समान होता है। दोस्तों चार्ज कार्ड के समान क्या होता है यहाँ पे बताना है, ए चार्ज कार्ड इज सिमिलर टू ए। तो चार्ज कार्ड जो होता है वो किसके समान होता है? चार्ज कार्ड इज सिमिलर टू ए क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड क्रेडिट कार्ड के समान होता है, ये विकल्प आपको चूज करना है, तीसरा नंबर यही होगा, चार्ज कार्ड क्रेडिट कार्ड के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र के लिए आवश्यक है? नंबर एक कहता है प्रतिबद्धता, दो में सत्यनिष्ठा, तीसरा सामाजिक आर्थिक स्थिति। विच ऑफ द फॉलोइंग चेक्स फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए कस्टमर सर्विस पॉइंट सी एस पी बाई द बी सीज। नंबर एक कमिटमेंट, नंबर दो इंटीग्रिटी, नंबर तीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो जो कारोबार प्रतिनिधि बीसी होते हैं उनके लिए तो प्रतिबद्धता आवश्यक होती है, यानी कमिटमेंट भी जरूरी है, इंटीग्रिटी भी जरूरी है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी जरूरी है, यानी उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जरूरी है। तो आपको क्या चूज करना है, पहला, दूसरा और तीसरा, यही सारे गुण जो है कारोबार प्रतिनिधि बीसीए के लिए, कारोबार प्रतिनिधि जो सीएसपी होते हैं उनके लिए आवश्यक होते हैं, आपको चौथा ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावहारिक परिपेक्ष से इरादतन चूक करता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर का संकेत है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य से इरादतन चूक करता का संकेत है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर। अंग्रेजी में मिलेगा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ ए विलफुल डिफॉल्टर फ्रॉम ए बिहेवियरल परस्पेक्टिव। तो जो इरादतन चूक करता, जो यानी चाहे कि मैं चूक करूं, तो उनके पक्ष में कौन सा ऐसा संकेत है कि जिससे हम पहचान सकें ये इरादतन चूक करता का संकेत है? तो उनके लिए यही संकेत है कि वे किसी न किसी बहाने वसूली एजेंटों की कॉल का जवाब देने से बचते हैं। जब भी उनको वसूली एजेंट कॉल करते हैं तो वो उनके जवाब देने के लिए डरते हैं, बच जाते हैं, कि फोन जाता है वो रिसीव नहीं करते हैं, यानी यही जो है विलफुल डिफॉल्टर का एक संकेत होता है। वे किसी न किसी बहाने वसूली एजेंटों की कॉल का जवाब देने से बचते हैं। दे वुड अवॉइड रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स ऑफ द रिकवरी एजेंट ऑन वन प्रीटेक्स्ट आर एनादर, ठीक है। यही आपको सेलेक्ट करना है कि वे किसी न किसी बहाने वसूली एजेंटों की कॉल का जवाब देने से बचते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक का कर्तव्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ बैंक। तो दोस्तों बैंक का कर्तव्य क्या नहीं है ये आपको बताना है, सही ऑप्शन देना है कि कर्तव्य क्या नहीं। तो बैंक का कर्तव्य होता है कि ग्राहक के खाते के बारे में गोपनीयता बनाए रखने का कर्तव्य, पासबुक खाता विवरण आदि जारी करने का कर्तव्य, और चेक बिल आदि एकत्र करने का कर्तव्य। लेकिन कह रहा है ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर चलाने का कर्तव्य, ये बैंक का कर्तव्य नहीं होता है कि ड्यूटी टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ कस्टमर आर हिज हर बियर। तो ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर चलाने का कर्तव्य बैंक का नहीं होता है, यही ऑप्शन आपको तीसरा नंबर चूज करना है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सक्रिय श्रवण बीसीए के लिए अच्छे संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सक्रिय श्रवण के फायदे की पहचान करें। एक्टिव लिसनिंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन फॉर ए बीसीए, आइडेंटिफाई एन एडवांटेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो जो सक्रिय श्रवण होते हैं बीसीए, सक्रिय श्रवण बीसीए होते हैं, उनके लिए अच्छे संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कह रहा है कि नीचे जो दिए गए फायदे हैं उनकी पहचान करें। तो सक्रिय श्रवण के लिए सबसे महत्वपूर्ण फायदा यही है कि ग्राहक की वास्तविक वित्तीय आवश्यकता को समझने में मदद मिलती है। जो सक्रिय श्रवण बीसीए होगा उसके मदद से ग्राहक की वास्तविक वित्तीय आवश्यकता को समझने से में मदद मिलेगी। ये सक्रिय श्रवण बीसीए के फायदे की एक महत्वपूर्ण पहचान है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स
एक्चुअल फाइनेंशियल नीड, ठीक है। इससे जो है ग्राहक की वास्तविक वित्तीय आवश्यकता को समझने में मदद मिलती है। ये सक्रिय श्रवण बीसीए का एक महत्वपूर्ण फायदा है। तो दोस्तों ये था आईआईबीएफ एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।